तो दोस्तों द फ्रंट रूम ये एक बेहतरीन मूवी है जो कि हमें सीधा अब सिनेमाघरों में देखने को मिली थी तकरीबन इसे इस रिलीज़ किया गया था 6 सितंबर दो को तो आज हम इसी मूवी के बारे में बात करने जा रहे हैं पूरी जानकारी आपको बताएंगे इसके इसके प्री प्रोडक्शन रिलीजिंग कास्टिंग फैक्ट डिटेल अपडेट तो वीडियो को जरूर से लाइक कीजिए अब इसके बारे में हम जानना चालू करते हैं द फ्रंट रूम दो की एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक हॉरर फिल्म है जिसे एगर्स ब्रदर्स ने अपनी पहली फीचर फिल्म में लिखा और निर्देशित किया है यह फिल्म सुसान हिल की 2016 की इसी नाम की लघु कहानी पर आधारित है और इसमें ब्रांडी कैथरीन हंटर एंड्रयू बर्नेप और नील हफ ने अभिनय किया है यह फिल्म 6 सितंबर 2024 को संयुक्त राज्य अमेरिका में अचौबीस द्वारा रिलीज की गई थी इसे आलोचकों से मिश्रित समीक्षा मिली कथानक भारी गर्भवती नृविज्ञान की प्रोफेसर बेलिंडा अपने विभाग के उपचार से निराश है चिंता से रात में नींद में चलती है और अभी भी अपने मृत पहले जन्मे बेटे वालेस को खोने का शोक मना रही है एक शाम उसके पति नॉर्मन को एक रहस्य में नंबर से फोन आता है जो उसकी अलग हो चुकी बीमार सौतेली माँ सोलेंज का निकलता है जिसने उसे उसके मरते हुए पिता के बारे में सूचित करने के लिए फ़ोन किया था नॉर्मन अपने परिवार से मिलने से इनकार कर देता है बेलिंडा को सोलेंज के धार्मिक दुर्व्यवहार के बारे में कभी नहीं बताता है अपनी नौकरी छोड़ने के बाद बेलिंडा नॉर्मन से खबर पाकर घर आती है कि उसके पिता की मृत्यु हो गई है दंपत्ति अंतिम संस्कार में जाते हैं और बेलिंडा को चर्च में सोलेंज से मिलवाया जाता है जहां वह दंपत्ति के सामने एक प्रस्ताव रखती है अंदर जाते समय सोलेंज सामने वाले कमरे में चली जाती है जिसे शुरू में उनकी नई बेटी के लिए नर्सरी में बदल दिया गया था अंदर जाने के तुरंत बाद बेलिंडा को सोलेंज से नस्लीय और धार्मिक सूक्ष्म आक्रामकता का सामना करना पड़ता है जिसके पास कॉन्फेडेसी की बेटियों का प्रमाण पत्र भी है नॉर्मन बेलिंडा को बताता है कि सोलेंज का मानना है कि पवित्र आत्मा उस पर हावी है जो उसे ट्रांस जैसी अवस्था में ले जाती है सोलेंज जोड़े के नए बच्चे के नाम फ्रोना को अस्वीकार करती है और सुझाव देती है कि उसका नाम बदलकर बेलिंडा के पिता लॉरेंस के नाम पर लॉरी रखा जाए जिनकी मृत्यु उसके जन्म से पहले हो गई थी एक रात प्रार्थना करते समय सोलेंज आध्यात्मिक रूप से बेलिंडा को प्रसव पीड़ा में प्रेरित करती है और सीजेरियन सेक्शन के माध्यम से जन्म देती है बेलिंडा के जन्म देने के बाद वह अपने घर लौटती है जहां सोलेंज के अपने फर्नीचर के साथ घर को फिर से सजाया गया है जिसमें नॉर्मन के पिता की रात भी शामिल है और उनके अतिधार्मिक प्रार्थना मंडली उनके लिविंग रूम में इकट्ठा हुई है जो बेलिंडा और लॉरी के लिए गहन प्रार्थना करना शुरू कर देते हैं सोलेंज स्वीकार करती है कि नॉर्मन ने बेलिंडा को बताए बिना ही फ़र्नीचर को फिर से सजाने और इकट्ठा होने के लिए सहमति दे दी थी जिससे वह बहुत निराश हो गईं। एक लंबी बहस के बाद सोलेंज ने खुद को टेबल पर पटक दिया जिससे नॉर्मन को यकीन हो गया कि बेलिंडा ने उसे धक्का दिया है पादरी लुईस परिवार की जांच करने के लिए रुकता है और गलती से पता चलता है कि सोलेंज ने पहले ही घर का पूरा बंधक चुका दिया था अक्सर असनियमित रहने वाली सोलेंज की देखभाल करने और लॉरी के स्तनपान से इनकार करने और बहुत रोने के बीच घर पर अकेली फंसी बेलिंडा को अजीबोगरीब सपने और मतिब्रम होने लगते हैं लॉरी भी बेलिंडा की तुलना में सोलेंज से अधिक जुड़ जाती है और नॉर्मन सोलेंज के प्रति अधिक सुरक्षात्मक हो जाता है चीजें तब चरम पर पहुंच जाती है जब नॉर्मन लॉरी की बार पर काटने के निशान को देखकर क्रोधित होता है लेकिन बेलिंडा उसे यकीन दिलाती है कि यह सोलेंज का था गायब दांत के निशान को देखते हुए नॉर्मन आखिरकार सोलेंज के सामने खड़ा होता है जो पूरी रात जोर जोर से उसकी मौत की गुहार लगाती रहती है दंपति अगली सुबह उठते हैं और सोलेंज को उसके बेडरूम में मृत पाते हैं और तुरंत उसका अंतिम संस्कार कर देते हैं लॉरी आखिरकार बेलिंडा से चिपक जाती है सालों बाद परिवार नया अमीर बन जाता है और एक नए घर में जा रहा है बेलिंडा नॉर्मन से सोलेंच की कुर्सी बाहर फेंकने को कहती है बेलिंडा जो अब जुड़वा बच्चों की मां बनने वाली है एडिस एडिस्पियाफ का गाना नॉन जेने रेग्रेत्रीन गाते हुए नौकरी के लिए इंटरव्यू देने जाती है एक नए पद के लिए इंटरव्यू में डीन उससे पूछता है कि वह अपनी पिछली स्थिति से कैसे निपट पाई फ्लैशबैक में पता चलता है कि बेलिंडा सोलेंज की गला दबाकर हत्या कर देती है ढालना ब्रांडी बेलिंडा के रूप में कैथरीन हंटर सोलेंज के रूप में एंड्रयू बर्नेप नॉर्मन के रूप में नील हफ पादरी लुईस के रूप में उत्पादन 25 अगस्त 2022 को यह बताया गया कि रॉबर्ट एगर्स के भाई मैक्स और सेम एगर्स ब्रांडी कैथरीन हंटर और एंड्रयू बर्नेप अभिनीत एक मनोवैज्ञानिक हॉरर फिल्म द फ्रंट रूम लिखेंगे और निर्देशित करेंगे अचार पांक यह फिल्म सुसान हिल की इसी नाम की लघु कहानी पर आधारित है जो उनके 2016 के संग्रह द ट्रेवलिंग बैग एंड अदर घोस्टली स्टोरीज में प्रकाशित हुई थी फिल्मांकन अगस्त और सितंबर 2022 में न्यू में में हुआ जिसमें बूंटन में एक घर पार्सिकनीथ्रोय हिल्स में एक कार्यालय भवन और फ्लोरहम पार्क में फेयर लेक डिकिंसन विश्वविद्यालय शामिल है साथ फरवरी 2023 के मध्य में स्क्रीन डेली ने बताया कि फिल्म पोस्ट प्रोडक्शन में छी 8. मुक्त करना द फ्रंट रूम को संयुक्त राज्य अमेरिका में अचौबीस द्वारा छह सितंबर दो को रिलीज किया गया था नौ इसे यूनाइटेड किंगडम में यूनिवर्सल पिक्चर्स द्वारा 25 अक्टूबर 2024 को रिलीज किया जाना है 10. स्वागत बॉक्स ऑफिस संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में द फ्रंट रूम को बीटल जूस बीटल जूस के साथ रिलीज किया गया था और शुरू में इसके शुरुआती सप्ताहांत में दो हजार पचानवे से लगभग पांच मिलियन डॉलर की कमाई करने का अनुमान लगाया गया था ग्यारह फिल्म ने अपने पहले दिन छह लाख डॉलर कमाए जिससे सप्ताहांत का अनुमान एक दशमलव पांच मिलियन डॉलर रह गए यह एक दशमलव सात मिलियन डॉलर की कमाई के साथ बॉक्स ऑफिस पर दसवें स्थान पर रही बारह तेरह आलोचनात्मक प्रतिक्रिया समीक्षा एग्रीगेटर वेबसाइट रोटन टोमाटोस पर इक्यावन आलोचकों की उन्चास परसेंट समीक्षाएं सकारात्मक है जिनकी औसत रेटिंग पांच है वेबसाइट की आम सहमति कहती है द फ्रंट रूम को कैथरीन हंटर के नरक से आए ससुराल वालों के रूप में यादगार रूप से विचित्र मोड़ से कुछ लाभ मिलता है लेकिन इस पारिवारिक झगड़े में मौजूद डरावने डरावने से ज्यादा परेशान करने वाले है चौदह मेटाक्रिटिक जो भारित औसत का उपयोग करता है ने उन्नीस आलोचकों के आधार पर फिल्म को एक में से उनचास का स्कोर दिया जो मिश्रित या औसत समीक्षाओं को दर्शाता है पन्द्रह सिनेमा द्वारा सर्वेक्षण किए गए दर्शकों ने फिल्म को ए प्लस से एफ पैमाने पर सी का औसत ग्रेड दिया जबकि पोस्ट ट्रैक द्वारा सर्वेक्षण किए गए लोगों ने इसे तैंतालीस परसेंट समग्र सकारात्मक स्कोर दिया जिसमें चौंतीस परसेंट ने कहा कि वे निश्चित रूप से इसकी अनुशंसा करेंगे तेरह द ट्रेवलिंग बैग एंड अदर घोस्टली स्टोरीज मूल रूप से ब्रिटिश लेखिका सुसान हिल की चार लघु कहानियों का दो का संग्रह था 2017 के पेपरबैक संस्करण में पांचवीं कहानी प्रिंटर डेविल कोर्थ शामिल कहानिया ट्रेबलिंग बैग 16 फरवरी 2016, हजार सोलह लॉन्ग बार्न बुक्स द्वारा सेंट जेम्स के एक क्लब में एक मानसिक जासूस वास्तविक इमारत में एक चौंकाने वाला मामला बताता है लेडी वेब का मानना है कि उसके चिकित्सा वैज्ञानिक पति की मौत अधिक भयावह है वह जासूस के पास उसका लंबे समय से इस्तेमाल किया हुआ ट्रैवलिंग बैग लेकर आती है जो उस पर ध्यान केंद्रित करता है और बैग और उसके पंखों वाले सामान के बारे में सच्चाई का पता लगाता है लड़का 21 टोबी तो को याद आता है कि जब वह लड़कों के स्कूल हेस्टरली में बोर्डर था तब वह अपने दोस्त एंड्रियास से अविभाज्य हो गया था लेकिन एंड्रियास एंड्रियासर्मियों के बाद वापस नहीं लौटे फिर क्लोटेन हाउस की एक दिन की यात्रा पर वह एंड्रियास को देखता है और एक अतिरिक्त लड़का कोच में लौटता हुआ दिखाई देता है लेकिन केवल टोबी उसे देखता है टोबी ने एक साल तक बात नहीं की और उसे एक विशेष स्कूल में भेज दिया गए सालों बाद टोबी को पता चलता है कि क्लोटेन हाउस जलकर खाक हो गया है एलिस बेकर कथावाचक एक पुराने कार्यालय में काम करते थे लेकिन उनसे वादा किया गया था कि एक नया कार्यालय ब्लॉक बनाया जा रहा है फिर एक नई लड़की एलिस बेकर ने उनके साथ काम करना शुरू कर दिए एलिस खुद को अलग रखती थी और ईमानदारी से काम करती थी लेकिन उसके बारे में कुछ अजीब थाएं सरन की गनत उसके आसपास रहती थी नए कार्यालय में जाने के बाद माहौल दमघोंटू हो गया और एलिस गायब हो गई कथावाचक एक सुबह जल्दी आया और उसने देखा कि एक छोटी लड़की गलियारों में घूम रही थी लेकिन फिर वह गायब हो गई फिर कथावाचक बेसमेंट से कुछ स्टेशनरी लेने गया और उसने देखा कि एनी बेकर छत से लटकी हुई थी फ्रंट रूम एक युवा परिवार यशायार से प्रेरित एक उपदेश द्वारा अपने फ्रंट रूम को बदल देता है बेघर गरीबों को अपने घर में लाओ वे सोलेंज को अपने साथ रहने के लिए आमंत्रित करते हैं लेकिन ईसाई माँ को एहसास होता है कि उसे अपने बच्चों को सोलेंज की बुरी उपस्थिति से बचाने की जरूरत है सोलेंज के मरने के बाद उसकी उपस्थिति कब्र से परे तक पहुंचती है और वह एक चीज ले जाती है जिसे वह चाहती थी प्रिंटर्स डेविल कोर्थ चौदह अक्टूबर दो लॉन्ग बार्न बुक्स द्वारा दिवंगत डॉ ह्यूग मेरेडि के सौतेले बेटे के पास एक अनोखी पांडुलिपि पहुंचती है ह्यूग लंदन में बिताए अपने समय के बारे में लिखते हैं जहां उन्हें जूनियर डॉक्टर के रूप में प्रशिक्षित किया गया था उनके दो सहकर्मी वाल्टर और रैथ बाइबिल में लाजर के पुनरुत्थान पर विचार करते हैं उनका मानना है कि उनके पास मृतकों को जीवन में वापस लाने की एक प्रक्रिया है कुछ समय बाद ह्यूक को वाल्टर और रैत के साथ एक अस्पताल में आमंत्रित किया जाता है जहां एक बुरा व्यक्ति मर रहा होता है जब बूढ़ा व्यक्ति मर जाता है तो वे उसकी अंतिम सांस को एक शीशी में निकालने में सफल हो जाते हैं और उसे एक युवती से मिलवाते हैं जो मर रही होती है स्वागत द गार्जियन में एंड्रयू माइकल हर्ले लिखते हैं कि हिल चार नई कहानियां पेश करती है जो उस जगह पर है जहां नीरस्ता भयाभता से मिलती है द फ्रंट रूम में पारिवारिक दान का कार्य कब्र से परे दुर्भावनापूर्ण प्रतिशोध में समाप्त होता है एलिस बेकर में एक नए कार्यालय कर्मचारी का आगमन अपने साथ अजीब घटनाओं की एक श्रृंखला लाता है जिसे केवल तब ही समझाया जाता है जब निर्माण कार्य अतीत से एक दुखद घटना को उजागर करता है बॉय नंबर ट्वेंटी वन कम आश्वस्त है यह लेखक की ओर से अनिर्णय की तरह अधिक लगता है जैसे कि वह अभी भी विचारों के साथ खेल रही है और कहानी पहले मसौदे की तरह निराशाजनक रूप से पड़ती है जिसमें आवाज कथानक और संरचना को अभी भी पूरी तरह से साकार किया जाना है शीर्षक कहानी में हिल अधिक परिचित जमीन पर है क्रोध और ईर्ष्या क्रेक को बदला लेने के लिए प्रेरित करती है जो एम आर जेम्स की कहानियों में भयावहता के सर्वश्रेष्ठ क्षणों की याद दिलाती है तो टिम मार्टिन ने द टेलीग्राफ में लिखा है कि यह वातावरण पर इतना भारी है कि किनारों के आसपास ज्यादा ठंडक नहीं है फिर भी एलिस बेकर जिसमें एक धरते हुए ऑफिस ब्लॉक की महिलाओं को एक रहस्य में अस्थायी कर्मचारी द्वारा परेशान किया जाता है जो सरान के साथ कोने में दुबका रहता है और द फ्रंट रूम जिसमें एक परिवार अपने घर में एक दुष्ट बुजुर्ग रिश्तेदार का स्वागत करता है उनके प्रामाणिक रूप से परेशान करने वाले क्षण है थीम द टाइम्स में किट सोंडर्स ने स्वीकार किया कि हिल अद्भुत लालित्य की पारंपरिक भूत कहानियां बनाती है और वह बहुत कम शब्दों में खौफनाक माहौल का निर्माण करती है इन कहानियों में वह जो चित्र बनाती है वे अविस्मरणीय है डेम सुसान एलिजाबेथ हिल लेडी वर्ल्स डीबीई जन्म 5 फरवरी 1942, एक अंग्रेजी कथा और गैर कथा लेखिका है उनके उपन्यासों में द वुमन इन ब्लैक शामिल है जिसे मंच और स्क्रीन के लिए रूपांतरित किया गया है द मिस्ट इन द मिरर और आई एम द किंग ऑफ द कैसल जिसके लिए उन्हें उन्नीस में समर्थित मौगम पुरस्कार मिला उन्होंने उन्नीस में द बर्ड ऑफ नाइट के लिए विटब्रेड नोवेल पुरस्कार भी जीता जिसे बुकर पुरस्कार के लिए भी चुना गया था उन्हें दो हजार बारह बर्थडे ऑनर्स में कमांडर ऑफ द कॉर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर सीबीई नियुक्त किया गया एक दो और 2020 हजार बीस बर्थडे ऑनर्स में डेम कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर डीबीई तीन चार दोनों साहित्य के लिए सेवाओं के लिए प्रारंभिक जीवन और शिक्षा हिल का जन्म उत्तरी योरकशायर के स्कारबोरो में हुआ था उनके गृह नगर का उल्लेख बाद में उनके उपन्यास एचेंज फॉर द बेटर उन्नीस और कॉकल्स एंड मसल्स जैसी कुछ लघु कहानियों में किया गया था उन्होंने कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाई की जहां उनकी थिएटर और साहित्य में रुचि पैदा हुई उनका परिवार उन्नीस में स्कारबोरो छोड़कर कोवेंट्री चला गया जहां उनके पिता कार और विमान कारखानों में काम करते थे हिल ने बताया पांच कि उन्होंने लड़कियों के व्याकरण स्कूल बार्स हिल में पढ़ाई की उनके साथी विद्यार्थियों में मिलेनियम डोम की पहली मुख्य कार्यकारी जेनिफर पेज शामिल थी बार्स हिल में उन्होंने अंग्रेजी फ्रेंच इतिहास और लैटिन में एलेवल लिया और किंग्स कॉलेज लंदन से अंग्रेजी की डिग्री हासिल की छे लेखन कैरियर जब तक उन्होंने ए लेवल लिया तब तक उन्होंने अपना पहला उपन्यास द एनक्लोजर लिख लिया था जिसे विश्वविद्यालय में अपने पहले वर्ष में हचिनसन द्वारा प्रकाशित किया गया था सात उनका अगला उपन्यास जेंटलमैन एंड लेडीज उन्नीस में प्रकाशित हुआ और जॉन लेवेलिन राइस पुरस्कार के लिए उपविजेता रहा आठ इसके बाद शीघ्र ही ए चेंज फॉर द बेटर आई एम द किंग ऑफ द कैसल द अल्बात्र एंड अदर स्टोरीज स्ट्रेंज मीटिंग द बर्ड ऑफ नाइट ए बिट ऑफ सिंगिंग एंड टाइमसिंग और इन द स्प्रिंग टाइम ऑफ द ईयर प्रकाशित हुए जो सभी उन्नीस और उन्नीस के बीच लिखे और प्रकाशित हुए 2008 में हिल ने जासूस साइमन सेरेलर पर आधारित अपराध उपन्यासों की एक श्रृंखला शुरू की प्रकाशित करना 1990 के दशक में हिल ने अपनी खुद की प्रकाशन कंपनी लॉन्ग बार्न बुक्स की स्थापना की नौ जिसने साइमन सेरेलर की दो लघु कथाएं और द मैजिक केपल थ्री प्रकाशित की है सभी सुसान हिल द्वारा साथ ही एडेल गेरास द्वारा द ड्रीम कोथ एंजेला हथ द्वारा कलिंग इन और डेबोरा डेवनशायर द्वारा काउंटिंग माई चिकन्स दस शैली और अनुकूलन हिल के उपन्यास वर्णनात्मक गौथिक शैली में लिखे गए हैं विशेष रूप से उनकी भूत कहानी द वुमन इन ब्लैक जो उन्नीस में प्रकाशित हुई थी उन्होंने पारंपरिक अंग्रेजी भूत कहानी में रुचि व्यक्त की है जो मोंटेग रोड्स जेम्स और डेफनेडू मॉरियर की क्लासिक भूत कहानियों के समान अपना प्रभाव बनाने के लिए रहस्य और माहौल पर निर्भर करती है ग्यारह उपन्यास को उन्नीस में एक नाटक में बदल दिया गया था जो 2022 तक लंदन के वेस्ट एंड में चला इसे उन्नीस में एक टेलीविजन फिल्म और 2012 में एमर फिल्म प्रोडक्शंस द्वारा एक फिल्म भी बनाया गया था बाद वाली जिसमें डैनियल रेडक्लिफ ने अभिनय किया था 2013 तक 32 वर्षों में सबसे सफल ब्रिटिश हॉरर फिल्म थी बारह उन्होंने उन्नीस में डेफने डू मॉरियर की रेबेका का सीक्वल मिसेज डी विंटर लिखाए व्यक्तिगत जीवन हिल की सगाई कोवेंट्री कैथेड्रल के ऑर्गेनिस्ट डेविड लेपिन से हुई थी लेकिन उन्नीस में दिल का दौरा पड़ने से उनकी मृत्यु हो गई तेरह उन्नीस में उन्होंने शेक्सपियर के विद्वान और प्रोफ़ेसर स्टेनली वर्न से शादी की और वे स्ट्रेटफ़ोर्ड अपॉन एवन चले गए उनकी पहली बेटी लेखिका जेसिका रुस्टन का जन्म 1977 में हुआ था और उनकी तीसरी बेटी क्लेमेसी का जन्म उन्नीस में हुआ था बीच की बेटी इमोजेन का जन्म समय से पहले हुआ था और पांच सप्ताह की उम्र में उसकी मृत्यु हो गई थी बारह वर्ल्स बीस साल तक शेक्सपियर के जन्मस्थान थ्रस्ट के अध्यक्ष रहे बाद में यह जोड़ा चिपिंग कैंपरेन में रहने लगा बारह दो हजार तेरह में यह बताया गया कि हिल ने अपने पति को छोड़ दिया और वेकिन द डेड की निर्माता बारबरा माचिन के साथ रहने लगीं, जिन्होंने हिल के अपराध कथा उपन्यासों को जासू साइमन सेरेलर और हिल के द स्मॉल लैंड के रूप में रूपांतरित किए बारह हालांकि उसने कहा कि वह 2015 में वेल्स से अभी भी शादीशुदा चौदह चौ। दो हजार में माचिन ने कॉमेडियन रोना कैमरून के लिए हिल को छोड़ दिए उद्धरण आवश्यक काम करता एत उपन्यास द एनक्लोजर हचिनसन उन्नीस सौ इकसठ मुथ पर एक एहसान करो हचिनसन उन्नीस सौ तिरसठ जेंटलमैन एंड लेडीज एमिश एमिल्टन उन्नीस सौ अड़सठ पेंग्विन पेपरबैग उन्नीस सौ सत्तर बेहतरी के लिए बदलाव एमिश एमिल्टन उन्नीस सौ उनहत्तर पेंग्विन उन्नीस सौ इकहत्तर मैं महल का राजा हूँ एमिश एमिल्टन उन्नीस सौ सत्तर पेंग्वइन समरसेट उन्नीस सौ बेहत्तर मोगम पुरस्कार विजेता स्ट्रेंज मीटिंग एम इश एमिल्टन उन्नीस सौ इकहत्तर पेंग्वइन पेपर बैग उन्नीस सौ चौहत्तर द बर्ड ऑफ नाइट एम इश एमिल्टन उन्नीस सौ बेहत्तर पेंग्विन पेपर बैग उन्नीस सौ तिहत्तर बुकर पुरस्कार के लिए चयनित वर्ष के वसंतकाल में एम इश एमिल्टन उन्नीस सौ तिहत्तर पेंग्विन पेपर बैग उन्नीस सौ चौहत्तर द वुमन इन ब्लैक ए घोस्ट स्टोरी एम इश एमिल्टन पेंग्विन पेपर बैग उन्नीस सौ तिरासी मैंडरिन पेपर बैग उन्नीस सौ नवासी विंटेज पेपरबैक उन्नीस सौ निन्यानवे एयर एन डेंजेस सिंक्लेयर स्टीवेंसन उन्नीस सौ इक्यानवे मैंडरिन पेपरबैक उन्नीस सौ तिरानवे विंटेज उन्नीस सौ निन्यानवे द मिस्ट इन द मिरर ए घोस्ट स्टोरी एमी शेमिल्टन उन्नीस सौ बानवे मैंडरिन पेपरबैक उन्नीस सौ तिरानवे विंटेज उन्नीस सौ निन्यानवे मिसेस डी विंटर सिंक्लेयर स्टीवेंसन उन्नीस सौ तिरानवे मैंडरिन पेपरबैक उन्नीस सौ चौरानवे विंटेज उन्नीस सौ निन्यानवे द सर्विस ऑफ क्लाउड्स चैटो एंड विंडस उन्नीस सौ अट्ठानवे विंटेज उन्नीस सौ निन्यानवे साइमन सेरेलर अपराध उपन्यास पुरुषों के विभिन्न प्रेत विंटेज दो हजार पांच द प्योर इन हार्थ विंटेज दो हजार छह ब्रांडी रेयाना नॉरवुड जन्म ग्यारह फरवरी उन्नीस सौ उनासी जिन्हें उनके उपनाम ब्रांडी से बेहतर जाना जाता है एक अमेरिकी गायिका गीतकार नर्तकी मॉडल और अभिनेत्री है मैक कॉम्प, मिसिसिपी में एक संगीत में परिवार में जन्मी नोरवुड का पालन पोषण कार कैलिफोर्निया में हुआ उन्होंने अपने करियर की शुरुआत किशोर समूहों के लिए एक सहायक गायिका के रूप में की थी उन्नीस में अटलांटिक रिकॉर्ड्स के साथ हस्ताक्षर करने के बाद उन्होंने अगले वर्ष अपना सो शीर्षक वाला पहला एल्बम जारी किया जिसकी दुनिया भर में छह मिलियन प्रतियां बिकी ब्रांडी ने यूपीएन सिटकॉम मोएशा में अभिनय करके प्रसिद्धि प्राप्त की और टेलीविजन फिल्म सिंड्रेला उन्नीस और स्लेशर फिल्म आई स्टिल नोवरात यू डिड लास्ट समर उन्नीस में उनकी भूमिका के लिए और अधिक पहचान मिली ब्रांडी को अपने तीसरे और चौथे एल्बम फुल मून 2002 और एफ्रोडिसियाक 2004 के साथ लगातार आलोचनात्मक और व्यावसायिक सफलता मिली उन्होंने अमेरिकाज गॉड टैलेंट के पहले सीजन में जज के रूप में काम किए इसके तुरंत बाद नोरवुड ने अपना पांचवा एल्बम ह्यूमन 2008 रिलीज किया जिसे मामूली लेकिन घटती सफलता मिल। ने द स्टार्स के ग्यारहवें सीजन में एक प्रतियोगी के रूप में टेलीविजन पर वापसी की और रियलिटी सीरीज ब्रांडी एंड रेजे ए फैमिली बिजनेस में अभिनय किए 2012 में वह बीईटी सीरीज द गेम में एक नियमित बन गईं और उन्होंने अपना छठा एल्बम टू इलेवन रिलीज किए 2015 में नोरवुड ने म्यूजिकल शिकागो में रॉक्सी हार्ट के रूप में अपना ब्रॉडवे डेब्यू किया इसके बाद उनके सातवें और आठवें स्टूडियो एल्बम बी दो बीस दो और हॉलीडे एल्बम क्रिसमस विद ब्रांडी दो हजार तेईस ने दुनिया भर में चालीस मिलियन से ज्यादा रिकॉर्ड बेचे है जिनमें से अकेले संयुक्त राज्य अमेरिका में लगभग आठ दशमलव छह दो मिलियन एल्बम बेचे गए हैं आर के जरिए उनके पास कुल दस दशमलव पांच मिलियन प्रमाणित एल्बम यूनिट है उनके पुरस्कारों में एक ग्रैमी अवार्ड और एक अमेरिकन म्यूजिक अवार्ड शामिल है वह अपनी विशिष्ट आवाज के लिए जानी जाती है जो उनकी अनोखी लय आवाज की परतों और जटिल रिफ्स की विशेषता है जिसने उन्हें उद्योग के साथियों और आलोचकों से वोकल बाइबल का उपनाम दिलाया है प्रारंभिक जीवन ब्रांडी रेयाना नॉर्वुड का जन्म 11 फरवरी उन्नीस को मैक मिसिसिपी में विली नॉर्वुड एक गॉस्पेल गायक और गायक मंडली के निर्देशक और एच एंड आर ब्लॉक के एक जिला प्रबंधक सोनिया नोरवुड नीबेट्स की बेटी के रूप में हुआ था दो नोरवुड मनोरंजनकर्ता रेजे की बड़ी बहन है अपनी मां के माध्यम से वह गिटार वादक और गायक बोडिडली अपने तीसरे चचेरे भाई से संबंधित है अतीन रैपर स्नूप डॉग ने दावा किया है कि वह और नोरवुड चचेरे भाई एस हालांकि नोरवू ने कहा है कि वह अनिश्चित है कि क्या वे वास्तव में संबंधित हैं चार पांक उन्हें पहलवान मर्सिडीज मोने और रैपर डेज डिलिंगर की चचेरी बहन भी बताया जाता है छह सात आठ एक ईसाई घराने में पलिभ्री नॉरवुड ने अपने पिता के काम के जरिए साउथ साइड चर्च ऑफ क्राइस्ट में गायक मंडली के हिस्से के रूप में गायन शुरू किया और दो साल की उम्र में अपना पहला गौसपे लेकर प्रदर्शन किए नौ उन्नीस में उनके माता पिता कार्सन कैलिफोर्निया चले गए जहां उनकी पढ़ाई बैनक्रॉफ्ट जूनियर हाई स्कूल में हुई और बाद में उन्होंने हॉलीवुड हाई परफॉर्मिंग आर्ट्स सेंटर में दाखिला लिए दस सात साल की उम्र में गायिका वृत्नी ह्यूस्टन की प्रशंसक बनने के बाद संगीत और प्रदर्शन में नोरवुड की रुचि बढ़ गई ग्यारह बारह लेकिन स्कूल में उन्हें शिक्षकों को ऑडिशन के लिए भेजने के लिए राजी करने में परेशानी का सामना करना पड़ा क्योंकि उन्हें कर्मचारियों के बीच कोई समर्थन नहीं मिला दस नॉर्वुड ने 11 साल की उम्र से ही प्रतिभा में भाग लेना शुरू कर दिया था और एक युवा गायन समूह के हिस्से के रूप में कई सार्वजनिक समारोहों में प्रदर्शन किए बारह उन्नीस में उन्होंने क्रिस्टोक्स और अर्ल हेरिस की अध्यक्षता वाले टीस्पून प्रोडक्शंस के साथ हस्ताक्षर किए जिन्होंने उन्हें अपने आर एंड बी बॉय बैंडी मैचोर के लिए एक बैकिंग गायक के रूप में काम दिया और एक डेमोतेप के उत्पादन की व्यवस्था की बारह तेरह उन्नीस में ईस्ट वेस्ट रिकॉर्ड्स के साथ चल रही बातचीत के बीच नॉर्वुड के माता पिता ने कंपनी के ए एंड आर के निदेशक डेरिल विलियम्स के लिए ऑडिशन देने के बाद अटलांटिक रिकॉर्डिंग कॉरपोरेशन के साथ एक रिकॉर्डिंग अनुबंध का आयोजन किए दस अपनी बेटी का प्रबंधन करने के लिए नॉर्वुड की मां ने अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दिया तेरह आजीविका उन्नीस से उन्नीस ब्रांडी और टेलीविजन स्टारडम अपने डेब्यू एल्बम के शुरुआती प्रोडक्शन चरणों के दौरान नॉरवुड को शॉर्टलिव्ड एबीसी सिटकॉम थिया में एक भूमिका के लिए चुना गया था जिसमें उन्होंने कॉमेडियन थिया विडेल द्वारा निभाई गई एक सिंगल मदर की बेटी का किरदार निभाया था नौ शुरुआत में उच्च रेटिंग के साथ प्रसारित होने पर सीरीज की दर्शक संख्या कम हो गई और केवल एक सीजन तक चलने के बाद उन्हें अपने सहकलाकारों के साथ उत्कृष्ट युवा कलाकारों की टुकड़ी के लिए यंग आर्टिस्ट अवार्ड के लिए नामांकन मिल कौद नॉरवुड ने याद किया कि वह शो के रद्द होने की सराहना करती है क्योंकि वह उस समय अभिनय के प्रति उदासीन थी और टेपिंग के कारण उनके एल्बम की रिकॉर्डिंग के साथ शेड्यूलिंग संघर्ष हूं उसने कहा मुझे अपने अलावा बाकी सभी के लिए बुरा लग यह एक अच्छी बात थी क्योंकि मैं वह कर सकती थी जो मुझे करना था क्योंकि मैं गाना चाहती थी पन्द्रह सोलह नॉर्वुड का स्वशीर्षक वाला पहला एल्बम सितंबर उन्नीस के अंत में जारी किया गया था और यूएस बिलबोर्ड 200 पर 20वें नंबर पर पहुंच गया था सत्र ब्रांडी के लिए आलोचनात्मक प्रतिक्रिया आमतौर पर सकारात्मक थी ऑल म्यूजिक लेखक एडी हफमैन ने ब्रांडी को एक कम महत्वपूर्ण जेनेट जैक्सन या एक अधिक स्त्रिप्टराउंड मैरी जय ब्लिच अच्छे गीतों और कुरकुरा उत्पादन के साथ घोषित किया अफारह एंटरटेनमेंट वीकली के एंडरसन जोन्स ने जोर देकर कहा किशोर अभिनेत्री नोरवुड अपनी उम्र के अनुसार अभिनय करती है सबसे अच्छा एक समय से पहले का प्रयास जो अगर आलिया कर सकती है तो मैं क्यों नहीं कर सकता दर्शन पर आधारित लगता है उन्नीस ब्रांडी ने दुनिया भर में छह मिलियन से अधिक प्रतियां बेची बीस इक्कीस बॉय टू मेन के वान्या मोरिस के साथ एक युगल गीत ब्रोकन हार्टेड चार्ट पर नंबर दो हिट बन गए सत्रह इस एल्बम ने नॉरवुड को अगले वर्ष सर्वश्रेष्ठ नए कलाकार और सर्वश्रेष्ठ महिला आर एंड बी गायन प्रदर्शन के लिए दो ग्रैमी पुरस्कार नामांकन अर्जित किए और उन्होंने चार सोल ट्रेन म्यूजिक अवार्ड्स दो बिलबोर्ड अवार्ड्स और न्यूयॉर्क चिल्ड्रन चॉइस अवार्ड जीते चौदह उन्नीस में उन्होंने बॉयफ टू मेन के राष्ट्रीय दौरे पर शुरुआती अभिनय के रूप में दो महीने का कार्यकाल पूरा किया बाईस और फिल्म बैटमैन फॉर और वेटिंग टू एक सहेल के साउंड अट्रैक में गीतों का योगदान दिया जिसमें एकल सिट इन अप इन माय रूम एक और शीर्षदों सफलता बन गए सत्रह एक निन्यानवे छह इस एकल ने उन्हें तीसरी बार ग्रैमी नामांकन दिलाए वोकल श्रेणी के साथ सर्वश्रेष्ठ पॉप सहयोग उन्नीस सौ छियानवे में थिए उनकी अल्पकालिक सगाई ने नॉरवुड को अपने स्वयं के शो यूपीएन निर्मित सितकॉम मोशा में अभिनय करने के लिए प्रेरित किए विलियम एलन यंग और शेरिली हुए, उन्होंने मोशा मिशेल की शीर्षक भूमिका निभाई जो एक लॉस एंजल्स की लड़की थी जो एक सौतेलिमा के साथ साथ वयस्क बनने के दबाव और मांगों का सामना करती है तेईस मूल रूप से सीबीएस द्वारा खरीदा गया कार्यक्रम जनवरी उन्नीस में यूपीएन पर शुरू हुआ और जल्द ही उनका सबसे ज्यादा देखा जाने वाला शो बन गए चौबीस जबकि सिटकॉम हर नए सीजन में अपने दर्शकों को बयाने में कामयाब रहा और द पार्कर्स नामक स्पिन ऑफ को जन्म दिया नेटवर्क ने छह सीजन के बाद शो को रद्द करने का फैसला किया चौदह उन्नीस में ब्रांडी रेजे और उनके माता पिता ने नॉरवुड किड्स फाउंडेशन की शुरुआत की जो कला और स्वयं सहायता कार्यक्रमों के माध्यम से लॉस एंजल्स और मिसिसिपी में वंचित जोखिम वाले युवाओं की मदद करता है छब्बीस उन्नीस में नॉरवुड को निर्माता वृद्नी ह्यूस्टन द्वारा रॉजर्स और एमस्टीन के सिंड्रेला के टेलीविजन संस्करण में शीर्षक चरित्र को निभाने के लिए चुना गया था जिसमें बहुजातीय कलाकारों की भूमिका थी जिसमें जेसन अलेक्जेंडर वहूपी गोल्डबर्ग और ह्यूस्टन भी शामिल थे सत्ताईस दो घंटे के वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ डिज्नी स्पेशल ने अनुमानित 60 मिलियन दर्शकों को आकर्षित किया जिसने नेटवर्क को 16 वर्षों में समय अवधि में अपनी उच्चतम रेटिंग दी और अगले वर्ष वैरायटी या संगीत कार्यक्रम के लिए उत्कृष्ट कला निर्देशन के लिए एमी पुरस्कार जीत आए अट्ठाईस नवोदित निर्माता रोडनी डार्क चाइल्ड जर्किंस को नॉर्वुड के दूसरे एल्बम नेवर से नेवर में योगदान देने के लिए परामर्श दिया गया था नॉर्वुड ने रिकॉर्ड के लिए छह गानों का सहलेखन और निर्माण किया जिसमें यूएस बिलबोर्ड हॉट एक पर उनका पहला नंबर है गाना द बॉय इज माइन शामिल है जो गायिका मोनिका के साथ एक युगल गीत है जो संगीत उद्योग में एक महिला जोड़ी द्वारा सबसे सफल गीत बन गया है दो युवा गायकों के बीच प्रतिद्वंद्विता के मीडिया के अनुमान का फ़ायदा उठाते हुए यह गीत संयुक्त राज्य अमेरिका में अब तक के सबसे सफल रिकॉर्डों में से एक था उनतीस बिलबोर्ड चार्ट में रिकॉर्ड तोड़ तेरह सप्ताह तक शीर्ष पर रहा और अंत इस जोड़ी को एक युगल या गायन के साथ समूह द्वारा सर्वश्रेष्ठ आर एंड बी प्रदर्शन के लिए ग्रैमी पुरस्कार दिलाए नेवर से नेवर जून उन्नीस में जारी किया गया तीस आलोचकों ने एल्बम को बहुत अच्छा दर्जा दिया म्यूजिक के स्टीफन थॉमस एल्विन ने नॉर्वुड और उनकी टीम की सराहना करते हुए कहा कि उन्होंने समयदारी से मारिया कैरी और मैरी जे बुलिच के बीच एक मध्यम मार्ग ढूंढा यह एक मामूली सड़क के किनारे के साथ वयस्क समकालीन है इकतीस कुल मिलाकर एल्बम ने सात एकल को जन्म दिया जिसमें नॉर्वुड का दूसरा नंबर एक गीत डायने वॉर द्वारा लिखित एव यू एवर शामिल है सत्रह एल्बम को बढ़ावा देने के लिए वह उन्नीस में नेवर से नेवर वर्ल्ड टूर पर गईं जिसमें यूरोप एशिया और संयुक्त राज्य अमेरिका के शो शामिल थे बत्तीस तैंतीस एफ गैरी ग्रे की उन्नीस की फिल्म सेट इट ऑफ में एक भूमिका से पीछे हटने के बाद चौंतीस नोरवुड ने स्लेशर फिल्म आई स्टिल नोवरात यूडिट लास्ट समर में कार्ला विल्सन की सहायक भूमिका में बड़े पर्दे पर अपनी शुरुआत की चौंतीस फिल्म ने अपने शुरुआती सप्ताहांत में कुल 16.5 मिलियन डॉलर के साथ मूल से बेहतर प्रदर्शन किया लेकिन फिल्म की आलोचनात्मक प्रतिक्रिया काफी हद तक निराशाजनक थी फिल्म समीक्षा साइट रॉटन टोमाटोज़ ने छियालीस समीक्षाओं के आधार पर 7% परसेंट की खराब रेटिंग की गणना की पैंतीस हालांकि नोरवुड ने अपने उछाल भरी प्रस्तुति के लिए सकारात्मक समीक्षा अर्जित की छत्तीस जिसने उन्हें ब्लॉकबस्टर एंटरटेनमेंट अवार्ड और बेस्ट ब्रेकअ्रू फीमेल परफॉर्मेंस के लिए एमटीवी मूवी अवार्ड के लिए नामांकन दिलाए चौदह सैंतीस न्यूयॉर्क शहर में सिर्फ बीस दिनों में शूट की गई इस फिल्म में नोरवर और रॉस दोनों ने कार्यकारी निर्माता के तौर पर काम किया है जिसमें उनके संबंधित एल्बम नेवर से नेवर उन्नीस और एवरी डे इज ए न्यू डे उन्नीस के मूल गाने शामिल है साथ ही पहले रिलीज न किए गए युगल गीत भी शामिल है उसी साल नॉर्वुड ने वृत्नी ह्यूस्टन टीना टर्नर और चेर के साथ वी एच एक के दिवास लाइव निन्यानवे में मुख्य भूमिका निभाए सेंतीस मोशा के अंत के बाद एक लंबे अंतराल के बाद और निर्जलीकरण के साथ उसकी दीर्घकालिक लड़ाई पर चर्चा करने वाली कई अखबारों की सुर्खियों के बाद नॉर्वुड 2001 में संगीत में लौट आईं जब उन्हें और उनके भाई रेजे को श्रद्धांजलि एल्बम अर्बन रिन्यूअल ए ट्रीब्यूट टू फिल कोलिंस के लिए फिल कोलि के 1990 सौ नब्बे के हित अंदर डे इन पैराडाइज का एक कवर संस्करण रिकॉर्ड करने के लिए कहा गए अड़तीस यूरोप और ओशिनिया में एल्बम के पहले एकल के रूप में जारी किया गया यह गीत विदेशों में एक त्वरित अंतर्राष्ट्रीय सफलता बन गया जिसने सभी चार्टों में से अधिकांश पर शीर्षदस प्रविष्टियां हासिल की उनतालीस नॉर्वुड ने ऑस्मोसिस जोन्स के साउंड ट्रैक में माइक सिटी ट्रैक ओपन का जनवरी 2016 में नॉर्वुड ने बीईटी सिटकॉम जो एवर आफ्टर का सहनिर्माण किया और उसमें मुख्य भूमिका निभाई 101 यह एक मल्टी कैमरा रोमांटिक कॉमेडी थी जो एक नई सिंगल माँ के बारे में थी जो अपने प्रसिद्ध बॉक्सर पूर्व पति की छाया से बाहर निकल रही थी 102 जबकि इसने सम्मानजनक रेटिंग के साथ शुरुआत की 103 सौ नॉर्वुड ने शो में वापस नहीं आने का फैसला किया और इसे जल्द ही रद्द कर दिया गया एक उसी महीने नॉर्वुड ने साउंड क्लाउड पर ट्रैक का अनावरण करने के लिए सकारात्मक प्रतिक्रिया प्राप्त करने के बाद अपने स्वयं के लेबल स्लेना रिकॉर्ड्स के माध्यम से स्टैंड अलोन सिंगल "बेगिन एंड प्लीडिन जारी किए एक सौ पांच एक सौ छह एक सौ सात उस फरवरी में नोरवुड ने अपने स्लेना वर्ल्ड टूर की घोषणा की एक सौ आठ आठ में उनका पहला हेडलाइनिंग टूर तीस जून को तय समय से पहले समाप्त हो गया जब नोरवुड को थकावट के कारण अस्पताल में भर्ती होना पा एक मार्च में नॉर्वुड ने गिरगित एंटरटेनमेंट ग्रुप और उसके अध्यक्ष ब्रेयन प्रेस्कॉट पर मुकदमा दायर किया जब लेबल ने कथित तौर पर उन्हें नए एल्बम रिकॉर्ड करने और रिलीज करने की अनुमति देने से इनकार कर दिए एक विशेष खंड के कारण मुकदमा अदालत से बाहर कर दिए जाने के बाद नॉर्वुड ने कई महीनों बाद एक और मुकदमा दायर किया जिसमें दो लाख सत्तर हज़ार डॉलर के मुआवजे और अदालत की घोषणा की मांग की गई कि वह गिरगित से अनुबंधित रूप से मुक्त है दोनों पक्षों ने 2017 में समझौता किए एक सौ दस नवम्बर दो हजार सोलह में नॉर्वुड सोलट्रेन म्यूजिक अवार्ड्स में लेडी ऑफ सोल अवार्ड की दूसरी प्राप्तकर्ता बनी उनके नौ मिनट के गाने के मिश्रण को प्रशंसा मिली एक सौ ग्यारह दो महीने बाद नॉर्वुड ने अपने भाई रेजे के साथ फॉक्स रियलिटी कुकिंग सीरीज माय किचन रूल्स में प्रतिस्पर्धा की एक सौ बारह जुलाई दो हजार अठारह में नॉर्वुड फॉक्स म्यूजिकल ड्रामा टेलीविजन सीरियल स्टार पर एक नियमित सीरीज बन गई उन्होंने कैसी की भूमिका निभाई दूसरे सीजन में एक आवर्ती भूमिका के रूप में शुरुआत की और 2019 में श्रृंखला के समाप्त होने तक एक नियमित श्रृंखला बनी रही 113 उसी वर्ष वह ऑप्टिमिस्टिक में दिखाई दी जो साउंड्स ऑफ ब्लैकनेस कवर था जो सुपरग्रुप ऑगस्ट ग्रीन के स्वशीर्षक डेब्यू से पहले था जिसमें कॉमन रॉबर्ट ग्लास्पर और करीम रिगिन्स शामिल थे एक साथ ही टच डीजे के लुकास एंड स्टीव के आई बी डोंग में उनके उन्नीस के एकल आई वन्ना बी डायोन का एक डांस भारी पुनर्रचना जो डांस चार्ट पर एक मामूली हिट बन गए 115। 2019 में नॉर्वुड 2019 में नॉर्वुड को ब्रॉडकास्ट म्यूजिक इंक द्वारा आयोजित बीएमआई आर एन बी हिपहॉप अवार्ड्स में बीएमआई प्रेसिडेंट अवार्ड से सम्मानित किया गए एक जून में वह कनाडाई गायक डेनियल सीजर के दूसरे एल्बम के स्टडी शो ने एक में दिखाई दीन जिसमें उन्होंने उनके युगल गीत लव अगेन के लिए स्वर दिए एकल के रूप में जारी इसने उन्हें बास्खवें पुरस्कार समारोह में सर्वश्रेष्ठ आरएनबी प्रदर्शन के लिए ग्रैमी पुरस्कार नामांकन दिलाया और बिलबोर्ड एडल तार एनबी सॉन्ग सचार्ट में शीर्ष पर पहुंच गया ऐसा करने वाला नोवुड का पहला गीत बन गए 117 सितंबर 2019 में उन्होंने बध सिंगल फ्रीडम रिंग्स स रिलीज किया जिसे उनके सुशीर्षक वाले डेब्यू एल्बम की पच्चीवीं वर्षगांठ के अवसर पर रिलीज किया गया था एक हालांकि दो तक गीत रिलीज नहीं किया गया है नॉरवुड का सातवां स्टूडियो एल्बम भी सात आठ वर्षों में उनका पहला एल्बम जुलाई 2020 में रिलीज हुआ एक स्वतंत्र कलाकार के रूप में उनका पहला प्रोजेक्ट यह उनके अपने लेबन ब्रांड नुइंक के माध्यम से जारी किया गया था जिसमें इवन म्यूजिक द्वारा वितरण किया गया था अपने पिछले काम से हटकर नॉरवुड ने एल्बम के अधिकांश हिस्से का सहलेखन और सहनिर्माण किया जिसे मुख्य रूप से डेरिल कैंपर ने निर्मित किया था एक रिलीज से पहले लीड सिंगल बेबी मामा था जिसमें चांस त्रै पर था एक सौ इक्कीस बीस सात ने बिलबोर्ड दो सौ पर बारहवें नंबर पर शुरुआत की यूके आर एंड बी एल्बम में भी नंबर दो पर पहुंच गए एक सौ बाईस एक सौ तेईस एल्बम को आलोचकों से आमतौर पर सकारात्मक समीक्षा मिली कई प्रकाशनों ने इसे 2020 के सर्वश्रेष्ठ एल्बमों की अपनी सूची में शामिल किया अगस्त 2020 में नोरवुड और मोनिका ने वेबकास्ट सीरीज वेरजूस में मुकाबला किए अटलांटा जॉर्जिया में पेरी स्टूडियो में फिल्माया गया 125, 126 इसे अकेले इंस्टाग्राम लाइव स्ट्रीम पर रिकॉर्ड तोड़ एक मिलियन दर्शकों ने देखा एक सौ सत्ताईस ने इस पल को 2020 के 20 सबसे ओएमजी वायरल मोमेंट्स सूची में नंबर एक के रूप में सूचीबद्ध किए एक दो महीने बाद नॉर्वुड ने बिलबोर्ड म्यूजिक अवार्ड्स में एक मेडली का प्रदर्शन किया जो लॉस एंजल्स कैलिफ़ोर्निया के डोल्बी थिएटर में आयोजित किया गया था अप्रैल 2010 में नॉर्वुड और रेजे ने अपने माता पिता के साथ वीएच एक रियलिटी सीरीज़ ब्रांडी एन रेजे ए फैमिली बिज़नेस में शुरुआत की इस शो ने दोनों भाई बहनों के पर्दे के पीछे के जीवन को दिखाया जबकि उनके परिवार के प्रबंधन और प्रोडक्शन कंपनी आर एंड बी प्रोडक्शंस में बड़ी भूमिकाएं निभाई। अरसठ नॉरवुड परिवार द्वारा निर्मित सीजन ग्यारह एपिसोड के बाद समाप्त हो गया और दूसरे सीजन के लिए नवीनीकृत किया गया जिसका प्रसारण 2010 की शरद ऋतु में शुरू हूं उनहत्तर ए फैमिली बिजनेस पूरे कलाकारों की पहले से अप्रकाशित सामग्री वाला एक संकलन एल्बम जून 2011 में सगुआरो रोड रिकॉर्ड्स पर जारी किया गया था सत्तर द वाशिंगटन पोस्ट जैसे आलोचकों ने इसे अजीब और मनमोहक और वास्तव में, वास्तव में में संपूर्ण संग्रह घोषित किए इकहत्तर जबकि एल्बम चार्ट में विफल रहा इसने तीन प्रचार एकल का निर्माण किया जिसमें संयुक्त ट्रैक टॉक टू मी शामिल था बेहतर 2010 की शरद ऋतु में नॉर्वुड एबीसी रियलिटी शो डांसिंग विद द स्टार्स के सीजन 11 में मैक्सिम चार्मकोस्की के साथ एक प्रतियोगी के रूप में दिखाई दी अंत वह प्रतियोगिता में चौथे स्थान पर रही जो जजों दर्शकों स्टूडियो दर्शकों और अन्य प्रतियोगियों के लिए एक झटका था जो उन्हें पूरे प्रतियोगिता के दौरान शो के अग्रणी प्रतियोगियों में से एक मानते छाये तिहत्तर अगस्त 2011 में यह पुष्टि की गई कि नॉर्वुड ने आरसीए रिकॉर्ड्स और निर्माता ब्रेयन प्रेस्कॉट के गिरगित रिकॉर्ड्स सा के साथ एक संयुक्त रिकॉर्ड सौदे पर हस्ताक्षर किए हैं चौहत्तर पचहत्तर छिहत्तर सितंबर में संगीतकार इवान बोगार द्वारा निर्मित एक नया टैलेंट शो मेजर्स एंड माइनर्स का प्रीमियर दहा पर हूं इसमें 10 से 16 वर्ष की आयु के युवा कलाकारों के एक समूह को दिखाया गया और उन्हें नॉर्वुड रयान टेडर और लियोना लुइस जैसे कुछ स्थापित कलाकारों से मार्गदर्शन मिलने का मौका मिला सतहत्तर उसी वर्ष बाद में नॉर्वुड ने सीडब्ल्यू की किशोर ड्रामा सीरीज नब्बे में आवर्ती उपस्थिति के साथ अभिनय भूमिकाओं में वापसी की और लाइफटाइम की कॉमेडी सीरीज ड्रॉप रेड दिवा के चौथे सीजन में जिसमें उन्होंने एलिसा शाइनी की भूमिका निभाई अठहत्तर दो में नॉर्वुड बीईटी कॉमेडी सीरीज द गेम के कलाकारों में शामिल हुई जिसमें उन्होंने बारटेंडर शार्डोने की आवर्ती भूमिका निभाई उनासी अगले सीजन तक वह नियमित कलाकार बन गए अस्सी फरवरी 2012 में नॉर्वुड ने मोनिका के साथ इट ऑल बिलोंग्स टू मी में फिर से काम किया जिसे बाद के एल्बम न्यू लाइफ से एकल के रूप में रिलीज किया गया था इक्यासी गायक क्रिस ब्राउन की विशेषता वाला नॉरवुड का अपना वापसी एकल पुटिड डायउन उस वर्ष के अंत में रिलीज किया गया था यह गीत बिलबोर्ड के हॉट आर एंड बी हिप हॉप सोंग्स चार्ट पर तीसरे नंबर पर पहुंच गया जो दस वर्षों में उनकी पहली शीर्ष दस प्रविष्टि बन गई बयासी उनका छठा एल्बम टू इलेवन जो अक्टूबर में जारी किया गया था तिरासी एक मध्यम व्यावसायिक सफलता इसे नोरवुड की एक विनम्र वापसी के रूप में देखा गया जो यूएस बिलबोर्ड दो पर तीसरे नंबर पर पहुंच गया और बिलबोर्ड यूएस टॉप आर एंड बी बटा हिपहोप एल्बम चार्ट के शीर्ष पर पहुंच गए कौरासी मार्च 2013 तो में नॉरवुड फिल्म में लॉट आई टाइलर पेरी के नाटक टेम्पटेशन कन्फेशंस ऑफ ए मैरिज काउंसलर में जर्नस मोलिटेल लांस ग्रोस और वैनेसा एल विलियम्स के कलाकारों की टुकड़ी में शामिल हुई पचासी नॉर्वुड सहायक किरदार मेलिंडा की भूमिका निभाती है जो रहस्यों वाली महिला है फिल्म को आमतौर पर आलोचकों से नकारात्मक समीक्षा मिली लेकिन यह यूएस बॉक्स ऑफिस पर मध्यम सफलता बन गई छियासी सत्तासी जून 2013 में नॉर्वुड ने लॉस एंजल्स में मुख्यालय वाली क्रिएटिव आर्टिस्ट एजेंसी के साथ हस्ताक्षर किए अट्ठासी और 2014 की शुरुआत में उन्होंने सीईओ जेफ रॉबिन्सन के साथ एमबीके एंटरटेनमेंट के साथ एक प्रबंधन सौदा किए आठ नौ जुलाई में उन्हें अल्फा कप्पा अल्फा या बिलबोर्ड के फ्रेंडिंग एक चार्ट पर नंबर एक पर पहुंच गए इक्यानवे बानवे इसके अलावा 2014 में नॉर्वुड ने वीएचए के लव एंड हॉप हॉलीवुड और टीवी लैंड सिटकॉम द मैन में अतिथि भूमिका निभाए 2014 के बीईटी हिप हॉप अवार्ड्स में वह क्रीन लतीफा एमसी लाइट और योयो के साथ आई वाना बी डायोन के हॉप रीमिक्स को अपनी बीसवीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में प्रस्तुत करने के लिए फिर से जुटी तिरानवे दो से दो ब्रॉडवे और बी द गेम के अंतिम सीजन का फिल्मांकन पूरा करने के बाद नॉरवुड ने अप्रैल 2015 में संगीत में शिकागो में ब्रॉडवे की शुरुआत की जिसमें उन्होंने रॉक्सी हार्ट की मुख्य भूमिका निभाई कौरानवे हालांकि शुरू में यह छह सप्ताह का कार्यक्रम था लेकिन उनकी सगाई अगस्त 2015 तक बया दी गई पंचानवे जिससे नॉर्वुड को 2016 और 2017 में कई मौकों पर भूमिका को फिर से निभाने के लिए प्रेरित किए छियानवे सतानवे अट्ठानवे इसके अलावा 2015 में नॉर्वुड ब्रिटिश हाउस जोड़ी निन्यानवे सोल्स के मै अब सिंगल द गर्ल इज माइन में दिखाई दी जिसके लिए उन्होंने द बॉय इज माइन से अपने स्वरों को फिर से रिकॉर्ड किए निन्यानवे यह गीत बेल्जियम और यूनाइटेड किंगडम में शीर्ष पांच के साथ साथ अन्य अंतर्राष्ट्रीय चार्ट में शीर्ष चालीस में पहुंचा जहां यह वर्षों में उनका सबसे अधिक चार्टिंग गेकल बन गए एक सौ फुलमून नॉर्वुड का तीसरा स्टूडियो एल्बम फरवरी 2002 में जारी किया गया था यर आर एंड बी और पोपोन्ख गीतों से बना था उनमें से कई जर्किंस वॉरिन कैंपबेल और माइक सिटी के साथ मिलकर बनाए गए थे एल्बम ने बिलबोर्ड 200 पर नंबर दो पर शुरुआत की और टॉप आर एंड बी बटा हिप हॉप एल्बम चार्ट में शीर्ष पर रहा अतीस इसका प्रमुख है कल वरात अस दुनिया भर में शीर्षदस हिट बन गया और एल्बम का शीर्षक ट्रैक संयुक्त राज्य अमेरिका और यूके में शीर्ष बीस हिट था इकतालीस बयालीस मीडिया का स्वागत आमतौर पर गुनगुना था रोलिंग स्टोन ने एल्बम को उन्मत्त चेहराविहीन नकली सेक्सी आर एंड बी के रूप में वर्णित किए तैंतालीस चवालीस नॉर्वुड का रियलिटी टेलीविज़न में प्रवेश 2002 में एमटीवी सीरीज डायरी प्रेजेंस ब्रांडी स्पेशल डिलीवरी के साथ शुरू हुआ इस शो में नॉर्वुड की गर्भावस्था के अंतिम महीनों और उनकी बेटी साई के जन्म को दिखाया गए नॉरवुड 2004 में एक संगीत समारोह में प्रदर्शन करते हुए एक और अंतराल से लौटते हुए नॉर्वुड का चौथा एल्बम एफ्रोडाइसी एक जून 2004 में रिलीज हुआ मनोरंजन प्रबंधक बेनी मेडिना के साथ उनके अल्पकालिक व्यावसायिक संबंधों की अच्छी तरह से प्रचारित समाप्ति के बीच पैंतालीस नॉर्वुड ने लॉस एंजल्स स्थित हैंडप्रिंट एंटरटेनमेंट के साथ अपने अनुबंध को एक साल से भी कम समय के बाद समाप्त कर दिया जिसके बाद मेडिना के प्रमुख एकल टॉक अबाउट अवर लव को संभालने के विवाद और आर एंड बी गायक अशर के साथ एक कथित शीर्षक दौरे की विफल वार्ता हुई पैंतालीस नकारात्मक प्रचार के बावजूद एफ्रोडाइसी एक नॉर्वुड का सबसे समीक्षकों द्वारा प्रशंसित एल्बम बन गया छियालीस कुछ लोगों ने नॉर्वुड के संगीत पर टिम्बालैंड के अधिक लगातार परिपक्व और चुनौतीपूर्ण प्रभाव पर प्रकाश डाला सैतालीस अड़तालीस एक मध्यम विक्रेता एल्बम ने बिलबोर्ड 200 पर तीसरे नंबर पर शुरुआत की और संयुक्त राज्य अमेरिका यूरोप और जापान में प्रमाण पत्र प्राप्त किए उन्चास टॉक अबाउट अवर लव यूनाइटेड किंगडम में छठे नंबर पर पहुंच गया लेकिन बाद के एकल लोकप्रिय संगीत चार्ट पर सफलतापूर्वक स्कोर करने में विफल रहे पचास उस वर्ष बाद में उन्होंने अमेरिकन ड्रीम्स के तीसरे सीजन के प्रीमियर में ग्लेडिस नाइट के रूप में अतिथि भूमिका निभाई जिसमें उन्होंने आई हर्ड इट क्रू द ग्रोपाइन का प्रदर्शन किए इक्यावन कंपनी के साथ ग्यारह साल बिताने के बाद नोरवुन ने 2004 के अंत में अटलांटिक रिकॉर्ड्स से बिना शर्त रिहाई मांगी और प्राप्त की उन्होंने अपने फैसले के मुख्य कारण के रूप में आगे बढ़ने की इच्छा का हवाला दिए बावन लेबल के साथ अपना अनुबंध पूरा करते हुए द बेस्ट ऑफ ब्रांडी नामक एक संकलन एल्बम मार्च 2005 में जारी किया गया था किसी भी प्रचार एकल के बिना जारी यह ऑस्ट्रेलिया यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका में शीर्ष तीस में पहुंच गया जहां संग्रह की समकालीन आलोचकों द्वारा सराहना की गई जिन्होंने नोरवुड की पिछली सूची की रचनात्मकता पर ध्यान दिए तिरपन ऑलम्यूजिक के एनडी केलमैन ने व्यक्त किया यह से उनके समकालीनों के कई अन्य संकलनों के विपरीत शायद ही घटती रचनात्मकता या लोकप्रियता की पुष्टि करता है चैवन इसके बाद उन्होंने कथित तौर पर अपने भाई के वेनिटी लेबल नॉकआउट एंटरटेनमेंट के तत्वावधान में एक नया रिकॉर्ड सौदा करना शुरू कर दिए 55. 2006 से 2014 हजार चौदह ह्यूमन अभिनय में वापसी और टू इलेवन फरवरी 2006 में नॉरवुड ने यूपीएन सिटकॉम वन ऑन वन में एक आवर्ती भूमिका में दिखाई देना शुरू किया जिसमें उन्होंने भाई रेजे के चरित्र डीमेक की बहन की भूमिका निभाई छप्पन जून में उन्हें अमेरिका के गौद टैलेंट के पहले सीजन में तीन प्रतिभा निर्णायकों में से एक के रूप में चुना गया था जो साइमन कोवेल द्वारा कार्यकारी निर्मित और रेजिस फिलबिन द्वारा होस्ट किए गए एनबीसी पर एक शौकिया प्रतिभा प्रतियोगिता थी यह प्रसारण गर्मियों के सबसे ज्यादा देखे जाने वाले कार्यक्रमों में से एक था और 17 अगस्त 2006 को 11 वर्षीय गायिका बियांका रयान की जीत के साथ समाप्त हुई नॉरवुड को मूल रूप से 2007 की गर्मियों में दूसरे सीजन के लिए वापस आने के लिए स्लेट किया गया था लेकिन अंततः उन्होंने ऐसा न करने का फैसला किया यह महसूस करते हुए कि वह वह नए सीजन को वह ध्यान और प्रतिबद्धता नहीं दे सकती जो इसके लायक थी 2006 की घातक कार दुर्घटना के बाद जिसमें वह शामिल थी नोरवुड का पांचवान स्टूडियो एल्बम ह्यूमन दिसंबर 2008 में रिलीज हुआ जिसका निर्माण टोबी गैट ब्रायन कैनेडी और रेड ने किया था अट्ठावन उनसठ कोच रिकॉर्ड्स और सोनी म्यूजिक द्वारा वितरित एल्बम ने एपिक रिकॉर्ड से लेबल पर नॉरवुड की शुरुआत को चिन्हित किया साठ और लंबे समय के योगदानकर्ता और संरक्षक रॉडनी जर्किंस के साथ उनका पुनर्मिलन जिन्होंने एल्बम का अधिकांश भाग लिखा और कार्यकारी निर्माता थे अट्ठावन आमतौर पर आलोचकों द्वारा अच्छी तरह से प्राप्त ह्यूमन ने यूएस बिलबोर्ड 200 पर पंद्रहवें नंबर पर शुरुआत की जिसमें तिहत्तर हजार प्रतियो की शुरुआती सप्ताह की बिक्री हुई इकसठ दो लाख चौदह हजार प्रतियो की कुल घरेलू बिक्री के साथ यह अपने पूर्ववर्तियों की सफलता से मेल खाने में विफल रहा बासठ जबकि लीरफ सिंगल राइट हियर डिपार्टेड ने नॉरवुड को 2002 के फुल मून के बाद से उनकी सबसे बड़ी चार्ट सफलता दिलाई एल्बम अन्यत्र प्रभाव डालने में विफल रहा जिसके परिणामस्वरूप सामान्य रूप से बिक्री में कमी आई और लेबल के साथ उनका अनुबंध समाप्त हो गया जिसके बाद एपिक रिकॉर्ड्स के अध्यक्ष के रूप में अमांडा घोस्त की विवादास्पद नियुक्ति हुई और रैपर जेजेड के रॉक नेशन प्रबंधन के साथ नॉरवुड का विभाजन हूँ तिरसठ कौसठ पैंसठ दिसम्बर दो में उन्होंने आधिकारिक तौर पर टिम्बालैंड के एल्बम टिम्बालैंड प्रेजेंस शॉक वैल्यू दो पर दो क्रेडिट के साथ अपने रैपिंग अल्टरेगो ब्रेनू को पेश किया छियासठ और एबीसी सीरीज दिस लिटिल पिगी के पायलट एपिसोड में कास्ट किया गया जिसमें रेबेका क्रेस्कॉफ और केविन रेहम भी थे जिसे अगले वर्ष फिर से कास्ट किया गए सरसक मार्च 2021 में नॉर्वुड को जॉन लीजेन ने गायन प्रतियोगिता श्रृंखला द वॉयस के बीसवें सीजन के लिए एक संरक्षक के रूप में चुना था एक सौ इकतीस उसी महीने नॉर्वु ने डिज्नी के साथ एकल स्टार्टिंग नाउ, पर सहयोग किया एक सौ चौंतीस एक सौ पैंतीस एक सौ छत्तीस एक सौ सैंतीस एक सौ अड़तीस एक संगीत विशेष डिज्नी प्रिंसेस रीमिक्सड एन अल्टीमेट प्रिंसेस सेलिब्रेशन का थीम गीत अगस्त 2021 में रिलीज हुई एक सौ उसी महीने नोरवुड नेचुरी नॉटन ईव और नादिन वेलासगे के साथ एबीसी की संगीत ड्रामा श्रृंखला केंस के कलाकारों में शामिल हुई एक सौ बयालीस एक सौ एक सौ चवालीस एक सौ पैंतालीस ने सीरीज के लिए कई नए गाने रिकॉर्ड किए जिनकी अक्टूबर 2021 में बड़े पैमाने पर सकारात्मक समीक्षा हुई वैरायटी ने चौकरी की संगीत पेशकश की प्रशंसा करते हुए उनके रैप को तेज और विशिष्ट व्यक्तिगत और एक शानदार सामूहिक दोनों के रूप में उनकी प्रतिभा को स्पष्ट करते हुए कहा लेकिन अगले वर्ष इसका नवीनीकरण नहीं किया गए एक मार्च दो में नॉरवुड ने नथिंग विदाउट यू रिलीज किया जो बेटी सायराय के साथ एक युगल गीत था एक जिसे कॉमेडी फिल्म चीपर बाय द डोजन 2022 के साउंड के लिए रिकॉर्ड किया गया था एक अप्रैल में गायिका मारिया केरी ने द रूफ व्रेन आई फील द नीड का खुलासा किया जो उनके उन्नीस के एकल द रूफ बैक इन टाइम का एक फिर से रिकॉर्ड किया गया और फिर से कल्पना किया गया संस्करण है जिसमें नॉर्वुड के नए स्वर शामिल है एक सौ उनचास मास्टर क्लास पर पूर्व के पाठ्यक्रम के लिए 150 अक्टूबर 2022 में नॉर्वुड को नाइजीरियाई गायिका तिवा सेवेज के साथ उनके सहयोग संबड़ी सन के लिए ऑल अफ्रीका म्यूजिक अवार्ड्स 2022 में सर्वश्रेष्ठ वैश्विक एक्ट के लिए नामांकित किया गया था एक सौ इक्यावन एक सौ बावन एक सौ तिरपन दो हजार तेईस में मेसी के खैंक गिविंग डे परेड में नॉर्वुड अप्रैल 2023 में नॉर्वुड की बेटी साई ने पुष्टि की कि उनकी मान उनकी आगामी पहली ईपी पर मुखर और कार्यकारी निर्माता होंगे एक सौ चौवन नवम्बर दो हजार तेईस में नॉरवुड ने अपना आठवां स्टूडियो एल्बम क्रिसमस विद ब्रांडी जारी किया जिसमें छह मूल गीतों और क्रिसमस मानकों के छह कवर संस्करण शामिल थे एक सौ पचपन एक सौ छप्पन इस परियोजना ने जून 2022 में मोटाउन रिकॉर्ड्स के साथ हस्ताक्षर करने के बाद उनके प्रमुख लेबल की वापसी को चिन्हित किया और यूएस टॉप होलीडे एल्बम चार्ट में शीर्ष तीस में पहुंच गए एक इसकी रिलीज नेटफ्लिक्स क्रिसमस कॉमेडी फिल्म बेस्ट की रिलीज के साथ हुई क्रिसमस कभी मैरी लैम्बर्ट द्वारा निर्देशित और ही ग्राहम जेसन बिक्स और मैथ सेडेनो के साथ नोरवुड द्वारा अभिनीत एक सौ उनसठ तेईस नवम्बर दो हजार तेईस को नॉर्वुड ने 2023 हजार तेईस मैसी के खैक्सगिविंग डे परेड में समडे ऐप क्रिसमस का प्रदर्शन किए एक सौ साठ एक सौ इकसठ एक सौ बासठ एक सौ तिरसठ चार फरवरी दो हज़ार चौबीस को नॉर्वुड ने छियास्तवें वार्षिक ग्रेमी अवार्ड्स में प्रदर्शन किया बर्न बॉय का एकल सिटिन ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड जिसमें नॉर्वुड के अपने टॉप ऑफ द वर्ल्ड का भारी नमूना था को सर्वश्रेष्ठ मेलोडिक रैप प्रदर्शन के लिए नामांकित किया गया था एक सौ चौसठ एक सौ पैंसठ एक सौ छियासठ सात जून को नॉर्वुड ने मोनिका के साथ एरियाना ग्रांडे के द बोए इज माइन म्यूजिक वीडियो में न्यूज एंकर के रूप में एक कैमियो उपस्थिति दर्ज की एक सौ सड़सठ इक्कीस जून दो हजार चौबीस को ग्रांडे ने द बोए इज माइन रीमिक्स रिलीज किया जिसमें नॉर्वुड और मोनिका दोनों हैं। अड़सठ एक सौ उनहत्तर जुलाई दो हजार चौबीस में डिसेंडेंसा द राइस ऑफ रेड डिसेंडेंस फ्रेंचाइजी का एक स्टैंडलोन सीक्वल डिज्नी प्लस पर रिलीज किया गया जिसमें नॉरवुड सिंड्रेला की भूमिका को दोहराएंगे 170 और फिल्म के साउंड ट्रैक पर दिखाई दिए जिसमें रीटा ओरा मालिया बेकर और काइली कैंत्राल के साथ लव इज नॉट इथ और पाओलो मोन्टाल्बन के साथ सो दिस इज लव में गायन में योगदान दिए एक सौ इकहत्तर ए चौबीस की द फ्रंट रूम निर्देशक मैक्स और सैम एगर्स की एक मनोवैज्ञानिक हॉरर फिल्म है और यह सुसान हिल की मूल लघु कहानी पर आधारित है जिसे सितंबर 2024 में रिलीज किया जाना है जिसमें नोरवुड बेलिंडा के रूप में अभिनय करेंगे अपनी खुद की शैली और गायन ध्वनि विकसित करते समय ब्रांडी ने गॉस्पेंजे गायक किम्बुरेल नए युग के कलाकार एनिया और अंग्रेजी गायक गीतकार साड़े को प्रमुख प्रभावों के रूप में श्रेय दिए उनके बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा यह उन महिलाओं को सुनना था साथ ही मेरी अपनी रचनात्मक आवाज जिसने मुझे अपना स्थान अपनी आवाज़ खोजने में मदद की एक सौ पचानवे एक सौ चौरानवे ब्रांडी ने माइकल जैक्सन मारिया कैरी बॉयफ टू मेन क्लार्क सिस्टर्स स्टीवी वंडर एरिथा फ्रैंकलिन, कोल्डप्ले जेनेट जैक्सन टिम्बालैंड और उनके भाई रेजे सहित कई अन्य संगीत प्रेरणाओं का भी उल्लेख किया है एक सौ चौरानवे एक सौ छियानवे एक सौ सत्तानवे एक सौ अट्ठानवे अपने अभिनय करियर के दौरान ब्रांडी ने ल्यूसिल बॉल जेनिफर लुईस गैब्रियल यूनियन नीसी नैश और किम फील्ड्स को एक अभिनेत्री के रूप में अपने विकास और हास्य भूमिकाओं में अपनी ताकत की खोज के अभिन्न अंग के रूप में उल्लेख किया है एक सौ निन्यानवे दो सौ विरासत और प्रभाव भी देखें ब्रांडी द्वारा प्राप्त पुरस्कारों और नामांकनों की सूची उन्नीस में अपनी पहली एल्बम के बाद से ब्रांडी ने दुनिया भर में 40 मिलियन से अधिक रिकॉर्ड बेचे हैं, जिसमें अकेले संयुक्त राज्य अमेरिका में 8.62 मिलियन से अधिक एल्बम बेचे गए हैं। 201, सौ एक दो के अनुसार ब्रांडी के पास 10.5 मिलियन प्रमाणित इकाइया है 203, 2008 में बिलबोर्ड ने उनके गीत द बोए इज माइन को विशेष द चालीस बिगेस्ट डुएट्स ऑफ टाइम लिस्टिंग में तीसरा स्थान दिए दो सौ चार उन्नीस सौ निन्यानवे में बिलबोर्ड ने नॉर्वुड को उन्नीस सौ नब्बे के दशक के शीर्ष बीस पॉप कलाकारों में स्थान दिए दो सौ पांच दो हज़ार दस में बिलबोर्ड ने पिछले पच्चीस वर्षों की अपनी शीर्ष पचास आर एंड बी और हिप हॉप कलाकारों की सूची में नॉर्वुड को शामिल दो सौ सात उनका दूसरा एल्बम नेवर से नेवर आरआईए द्वारा टॉप एक सौ प्रमाणित एल्बम सूची में शामिल हूं दो सौ आठ नॉर्वुड की गायन शैली का संगीत उद्योग पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है विशेष रूप से समकालीन आर एंड बी पॉप और गॉस्पेल शैलियों में जहां उन्हें अक्सर वोकल बाइबल के रूप में संदर्भित किया जाता है 209. उनके काम ने कई कलाकारों को प्रभावित किया है 210. जिनमें जेसी जे जोजो ब्रिजेट केली ओलिविया एरियाना ग्रांडे 211 सौ ग्यारह एमेली सेंडे जॉर्डिन स्पार्क्स रयान टैंक, टेयाना टेलर लिलमो मेगन रोशेल कीशिया कोल 212 सौ बारह जेने एको दो एरिक बेलिंगर 214 सौ क्रिस ब्राउन 215 सौ एले वर्नर रिहाना 216 सौ सो सोलह एंजेल नोरमनी दो और केहलानी 218 सौ अठारह शामिल एस जबकि नोरवुड की, की आवाज की प्रशंसा उनके कई साथियों ने की है जिनमें नताशा बेडिंगफील्ड मिस्सी इलियत जेनिफर हडसन सिलेना जॉनसन, ग्लेडिस नाइथ ब्रायन मैकनाइट शामिल एस जिल्सकॉथ स्टोन तामिया 210, सौ दस टाई डोलासाइन दो जैजमीन सुलिवन 220 और तामार ब्रेक्सटन 221 अन्य लोगों के बीच इसके अतिरिक्त कई अवसरों पर नॉर्वुड को एक प्रतिभाशाली कलाकार के रूप में माना जाता है जिसे संगीत निर्माता और गीतकार अपनी कलात्मक और रचनात्मक ऊर्जा को बयाने के लिए उपयोग करते हैं दो 22, सौ गीतकार सीन गैरेट ने लेखन के प्रति अपने दृष्टिकोण के लिए एल्बम फुल मून पर गायन कार्य को श्रेय देते हुए कहा मैं फुल मून एल्बम पर ब्रांडी और रोडनी द्वारा किए गए काम से बहुत कुछ लेता हूँ मैं इससे बेहद प्रभावित था और मैं हमेशा उस एल्बम से बेहतर करने की कोशिश करता हूँ 224. बी स्लेड ने एल्बम के बारे में बात करते हुए टिप्पणी की कि फुल मून ने अकेले ही गायन के खेल को बदल दिए यह सालों से गायन विकल्पों और पृष्ठभूमि गायन व्यवस्थाओं के लिए टेम्पलेट रहा है 225. सौ पच्चीस आर एंड बी गायिका मेलानी फियोना ने विशेष रूप से उस एल्बम पर गायक के काम की प्रशंसा की 226 सौ छब्बीस नियोसोल गायक इंडिया डॉट एरी अक्सर एल्बम का हवाला देते हैं विशेष रूप से गीत ही इज को गायकों की एक विस्तृत श्रृंखला के लिए टेम्पलेट के रूप में दो एल्बम पर अक्सर प्रशंसित गायन कार्य ने नॉरवुड को व्यक्तिपरक उपनाम वोकल बाइबल प्राप्त करने के विचार को जन्म दिए दो सौ अट्ठाइस दो कनाडाई आर एंड बी गायक केशिया चांटे ने अपने एल्बम नाइट एंड डे के लिए लेखन को प्रेरित करने के लिए एल्बम को श्रेय दिया जबकि अमेरिकी गायक ल्यूक जेम्स ने फुल मून को 2000 के दशक के समकालीन आर एंड बी के बाइबल के रूप में संदर्भित किया इसे गायन कैसे करे इसका खाका कह दो सौ दस को वैकल्पिक आर एंड बी उपशैली के पूर्ववर्तियों में से एक माना जाता है 2014 में एनपीआर के साथ संगीत और फैशन पर बातचीत में गायक और मॉडल सोलेंज ने एल्बम पर चर्चा करते हुए कहा ब्रांडी वास्तव में इस बहुत ही अभिनव प्रगतिशील प्रयोगात्मक आर एंड बी की नीम वह ब्रांडी ने वास्तव में बहुत कुछ प्रभावित किया है फ्रैंक ओसियन कहेंगे मिगुएल यर कहेंगे 231 सौ इकतीस के साथ एक साक्षात्कार में मिगुएल ने खुलासा किया कि वह बड़े होते हुए बहुत बड़े प्रशंसक थे उन्होंने कहा कि ब्रांडी ने पहले एल्बम से ही इसे मार दिया था नॉरवुड को कुछ ऐसे लोगों में वर्गीकृत किया गया है जिनके पास कॉन्ट्राल्टो तो वोकल रेंज है एक सौ पचहत्तर एक सौ छिहत्तर एक सौ सतहत्तर उनकी आवाज़ को अक्सर संगीत समीक्षकों और नॉरवुड ने नरम कर्कश और कर्कश बताया है एक संगीत समीक्षक और स्लैंड मैगजीन के लेखक एनड्रे चैन ने नॉर्वुड की आवाज़ के लहजे का वर्णन गर्मी और ठंड कठोर किनारों का एक असामान्य मिश्रण के रूप में किया है वह आगे उसकी मुखर गुणवत्ता का वर्णन करते हुए कहते हैं पॉप संगीत गायन में कुछ और की तरह ब्रांडी की लय और बनावट का सूक्ष्म हेरफेर करीब से सुनने को पुरस्कृत करता है तकनीकी कौशल का उनका मुख्य दावा हमेशा उनकी लंबी कैस्केडिंग रिफ्स रही है एक ऐसा कौशल जिसके लिए कई आर एंड बी डाई हार्ड उनका सम्मान करते हैं सत्रह नॉप ऑप मैटर्स के टेरी सॉयर इस कौशल पर टिप्पणी करते हुए लिखते हैं जबकि यह कहा गया है कि ब्रांडी की आवाज़ बिल्कुल भी शानदार नहीं है यह पर्याप्त रूप से उल्लेख नहीं किया गया है कि वह जो कुछ भी करती है उससे वह बहुत कुछ करती है वह अपनी आवाज को कभी भी सुर्खियों में नहीं रहने देती अपनी विविधतापूर्ण सीएदार आवाज को मोड़ती है मुख्य ट्रैक को फुसफुसाती है बैकअप में चिल्लाती है और प्रत्येक गीत को इतनी इंटरलॉकिंग ध्वनियों के साथ लेर करती है कि स्वर की विशालता का कसकर भरा हुआ भ्रम पैदा होता है एक सौ में रोलिंग स्टोन ने ब्रांडी को अब तक के 200 महानतम गायकों की सूची में एक स्थान पर रखा है एक नॉरवुड की अपनी पहली एल्बम में शुरुआती ध्वनि स्ट्रीट ओरिएंटेड आर एंड बी थी एक जिसमें हिप हॉप सौ बयासी एक सौ सोल और पॉपसोल के तत्व शामिल थे एक उन्होंने प्यार के बारे में गाया और साथ ही अन्य विषयों पर भी प्रकाश डाला जैसे अपने छोटे भाई बेस्ट फ्रेंड भगवान गिव मी यू आदर्श पुरुष बेबी और एरिथा और वरिटनी आई डेडिकेट जैसे पुराने क्रूनर्स को श्रद्धांजलि एक अपने दूसरे एल्बम नेवर से नेवर में उन्होंने थोड़ी सी स्त्री बढ़त बनाए रखते हुए अधिक वयस्क समकालीन उन्मुख दिशाएं अपनायी इकतीस उनके तीसरे स्टूडियो एल्बम फुल मून में नोरवुड और उनके तत्कालीन रचनात्मक साथी रॉडनी जर्किंस ने दो स्टेप गैराज और इलेक्ट्रोफंक के प्रभावों सहित अपने पिछले आर एंड बी ध्वनियों को भविष्यवादी आगे की सोच वाली प्रस्तुतियों के साथ मिश्रित करने का प्रयोग किया एक सौ चौरासी एक सौ पचासी एक सौ छियासी उनकी शैली के साथ साथ उनकी आवाज भी विकास से गुजरी है उनकी हल्की लड़कियों जैसी आवाज उन्नीस सौ नब्बे के दशक की तुलना में कहीं ज्यादा गहरी गर्म और धुंधली हो गई है एक सौ सत्तासी गीत भी बदलाव को दर्शाते हैं क्योंकि एल्बम में ज्यादा वयस्क यौन विषयों की खोज की गई है और अंतरंग संबंधों के शारीरिक और भावनात्मक दोनों पहलुओं पर ध्यान केंद्रित किया गया है एक सौ पचासी 2004 में उनके हाल के मातृत्व जीवन के अनुभवों और ब्रिटिश रॉक बैंड कोल्डप्ले के प्रति बढ़ते लगाव ने उन्हें अपने चौथे स्टूडियो एल्बम एफ़्रोडाइसिए के लिए अधिक प्रयोगात्मक दृष्टि की ओर स्थानांतरित कर दिए निर्माता तिम्बालैंड और कान्यवेस के सहयोग से बने इस एल्बम में विशिष्ट एल्बियंट शास्त्र का उपयोग किया गया है जो प्रगतिशील सैम्पलिंग विधियों के साथ परिवेशी पॉप डब और ब्रेकबीट साउंडस्कोप्स को जोड़ता है एक चार साल के अंतराल और कुछ जीवन बदलने वाली घटनाओं के कारण नॉर्वुड 2008 के अंत में अपने पांचवें स्टूडियो एल्बम ह्यूमन के साथ संगीत उद्योग में लौट आयी जिसमें प्यार दिल के दर्द और ईमानदारी के विषयों पर चर्चा की गई अठारह नौ दो में करियर और व्यक्तिगत कायाकल्प का अनुभव करते हुए नॉर्वुड यह एल्बम नॉर्वुड के उन्नीस के दशक के आर एन ध्वनि और दो के बाद के समकालीन हिपहोप के बास भारी रुझानों दोनों का मिश्रण था सौ को प्रभावित अपने करियर की शुरुआत से ही ब्रांडी ने व्रित्नी ह्यूस्टन को अपना सबसे प्रमुख संगीत और मनोरंजन प्रभाव बताया है अपने करियर की शुरुआत में वह अक्सर ह्यूस्टन को अपना आदर्श बताती थीं। उनकी आवाज़ संगीत और प्रदर्शन को व्यक्तिगत और पेशेवर दोनों तरह से अपने लिए महत्वपूर्ण मानती थीं। 2014 के एक साक्षात्कार में ब्रांडी ने कहा कि एक पेशेवर संगीतकार के रूप में मैं कहूंगी कि व्रितनी ह्यूस्टन अब तक की सबसे महान आवाज़ है एक सौ इक्यानवे वह विस्तार से कहती है वह हमेशा मेरे लिए विचार थी मैं उनकी तरह बनना चाहती थी उनकी तरह गाना चाहती थी और वह सब कुछ करना चाहती थी जो वह कर रही थी एक सौ बानवे उन्नीस सौ नब्बे के दशक के उत्तरांध में ह्यूस्टन ब्रांडी की एक निजी मित्र और संरक्षक के रूप में विकसित हुई ह्यूस्टन ने खुद को नॉर्वुड की गॉडमदर के रूप में उपनाम दिए एक ब्रांडी अपने पिता वोकल कोच विली नॉरवुड का भी नाम लेती है जो एक संगीतकार के रूप में उनकी खोज और विकास में सहायक वह कहती है कि उनके पिता ने मुझे वह सब कुछ सिखाया जो मैं गायन के बारे में जानती हूँ अपने पिता के बारे में ब्रांडी कहती है मैं अपने पिता के साथ चर्च में गाते हुए बड़ी हुई हूँ जहाँ वे संगीत निर्देशक थे और हम लगभग विशेष रूप से एक कैपेला में गॉस्पेल गाने गाते छाई उन्होंने मुझे मेरा पहला चार ट्रैक टेप रिकॉर्डर खरीद पहले तो मुझे अपनी आवाज पसंद नहीं थी लेकिन उन्होंने मुझे अपनी आवाज के अनूठे गुणों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया 2001 के मध्य में अपने एल्बम फुल मून के निर्माण के दौरान नॉरवुड निर्माता रॉबर्ट बिग बर्थ स्मिथ्स के साथ रोमांटिक रूप से शामिल हो गई इस जोड़े ने फरवरी 2002 तक अपने रिश्ते को गुप्त रखा जब नॉरवुड ने घोषणा की कि वह अपने पहले बच्चे की उम्मीद कर रही थी हालांकि अपनी बेटी साइराई इमान स्मिथ्स के जन्म के एक साल बाद नॉरवुड और स्मिथ्स अलग हो गए दो सौ में स्मिथ्स ने खुलासा किया कि इस जोड़े ने कभी कानूनी रूप से शादी नहीं की थी लेकिन उन्होंने नॉरवुड की सार्वजनिक छवि को बनाए रखने के लिए शादी का नाटक किया था दो नॉरवुड ने जवाब दिया कि वह स्मिथ्स के साथ अपने रिश्ते को आध्यात्मिक मिलन और एक दूसरे के प्रति सच्ची प्रतिबद्धता के रूप में मानती है दो सौ बासठ हालांकि बाद में उन्होंने स्मिथ के बयान की पुष्टि की और एक रोल मॉडल बनने के दबाव के साथ अपने कार्यों को उचित ठहराए दो अगले वर्ष तक नॉर्वुड ने एनबीए गार्ड क्वेंटिन रिचर्डसन के साथ एक रिश्ता शुरू कर दिया था जो उस समय लॉस एंजल्स क्लीपर्स के लिए खेल रहे थे जुलाई 2004 में दोनों की सगाई हुई लेकिन नॉर्वुड ने सितंबर 2005 में अपनी 14 महीने की सगाई समाप्त कर दी दो सौ यह बताया गया कि नॉर्वुड को अपनी पीठ पर रिचर्डसन के चेहरे का एक टैटू बनवाना पड़ा जिसे एक बिल्ली में बदल दिया गया था दो सौ में उन्होंने कुछ समय के लिए रैपर फ्लोरिडा को डेट किए दो सौ के अंत में नॉर्वुड ने संगीत कार्यकारी रयान प्रेस से सगाई कर ली दो अप्रैल 2014 में नॉर्वुड ने उस वर्ष की शुरुआत में अपने ब्रेकअप के बाद प्रेस के साथ अपनी सगाई को बंद कर दिए दो सौ अड़सठ अपने सातवें स्टूडियो एल्बम बी सात की रिलीज़ के बाद प्रशंसकों ने एल्बम के समापन ट्रैक बाय बायपोलर के पीछे के अर्थ पर अटकले लगाई जबकि नॉर्वुड को द्विध्रुवी विकार नहीं है गायक द्वारा एल्बम के साथ लिखे गए नोट्स के अनुसार बाय बायपोलर उनके प्रेम जीवन का एक रूपक है और इस बात पर चर्चा करता है कि विषाक्त संबंधों के कारण उनके मानसिक स्वास्थ्य संघर्ष कैसे बढ़ गए हैं दो सौ ने न्यूयॉर्क पोस्ट को बताया मुझे द्विध्रुवी होने का निदान नहीं किया गया है लेकिन मेरे पास ऐसे क्षण थे जब आघात ने मुझे खुद नहीं होने दिया और मुझे एक बिंदु पर लगा कि मैं उस तरह के क्षणों का अनुभव कर सकता था 270 सौ के साथ एक साक्षात्कार में नॉरवुड ने कहा मैंने सबसे गंभीर अवसाद से निपटाए जैसे गंभीर अवसाद मैंने आघात से निपटाए है मैंने पीटीएसडी से निपटाए है मैं बहुत कुछ से गुजरा हूं और मुझे बहुत कुछ दूर करना पड़ा लेकिन मुझे उन सभी चीज़ों पर काबू पाना था जिन पर मैंने काम करके काबू पाया है थेरेपी प्रार्थना जर्नलिंग और ध्यान की ओर मुड़ते हुए दो सौ इकहत्तर आये चार सौ पाँट टक्कर तीस दिसंबर दो हज़ार छः को लॉस एंजल्स में चार सौ पांच फ्री पर ड्राइविंग करते समय दो सौ बेहतर नॉरवुड ने एक टोयोटा को टक्कर मार दी जिसे अड़तीस वर्षीय अवाते फबूदिहाज चला रही थी जिसकी बाद में एलए प्रोविडेंस होली क्रॉस मेडिकल सेंटर में चोटों के कारण मृत्यु हो गई दो सौ बेहत्तर कानून प्रवर्तन अधिकारियों ने बाद में बताया कि नोरवुड अपनी कार पैंसठ मील प्रति घंटे एक सौ पांच किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चला रही थी और उसने यह नहीं देखा कि उसके आगे चल रहे वाहन काफी धीमे हो गए छये उसके वाहन की अबूदिहाज के वाहन के पिछले हिस्से से पक्कर हो गई जिससे तोयोटा ने एक अन्य वाहन को टक्कर मार दी और फिर बगल में खिसक कर केंद्र के डिवाइडर से जा टकराई जैसे ही टोयोटा रुकी उसे एक और वाहन ने पक्कर मार दी दो हालांकि बाद में कैलिफोर्निया हाईवे पेट्रोल के एक स्रोत ने बताया कि अबूदिहाज ने वास्तव में उसके सामने वाली कार को टक्कर मार दो जैसा कि पुष्टि की गई है विश्वविज्ञान रिपोर्ट से पता चला है कि दुर्घटना के समय अबूदिहाज के सिस्टम में मारी जुआना के मामूली निशान 275. नॉरवुड नॉर्वुड को गिरफ्तार नहीं किया गए दो फिर भी नॉर्वुड के खिलाफ कई मुकदमे दायर किए गए हैं जिनमें से सभी को अंत उसके वकील एड मैकफर्सन द्वारा अदालत के बाहर लिया गया था। सुल हाज के माता पिता ने नॉरवुड के खिलाफ 50 मिलियन डॉलर का गलत तरीके से मौत का मुकदमा दायर किए दो शुरू में अप्रैल 2009 में मुकदमा चलाने के लिए तैयार था 277 सौ सतहत्तर मुकदमा अंत रद्द कर दिया गया क्योंकि नॉर्वुड ने अबूदीहाज के माता पिता के साथ अदालत के बाहर समझौता कर लिया था दो सौ अठहत्तर अबूदीहाज के पति ने भी नोरवुड के खिलाफ मुकदमा दायर किया उस पर चिकित्सा और अंतिम संस्कार के खर्चों के साथ साथ कानूनी लागतों और अन्य हर्जानों को कवर करने के लिए वित्तीय राहत की एक अज्ञात राशि का मुकदमा किए दो उन्होंने फरवरी 2009 में एक दशमलव दो मिलियन डॉलर के समझौता प्रस्ताव के अपने हिस्से को अस्वीकार कर दिया 280-281 दंपति के दो बच्चों को तीन लाख डॉलर प्रत्येक मिले 280 जबकि दो अन्य ड्राइवर जो इसमें शामिल थे उन्होंने नोरवुड के साथ अज्ञात राशि के लिए समझौता किए दो सौ बयासी दो सौ तिरासी मई दो हजार नौ में नोरवुड ने कहा पूरे अनुभव ने मेरे जीवन को पूरी तरह से बदल दिया और मैं कह सकता हूं कि मुझे लगता है कि मैं इससे एक बेहतर इंसान बन गया हूं आप जानते हैं मैं अभी भी यह सब नहीं समझ पाया हूं और यह सब क्यों हुआ लेकिन मेरे पास निश्चित रूप से एक दिल है और मेरा दिल इसमें शामिल सभी लोगों के लिए है मैं हर एक दिन इसके बारे में प्रार्थना करता हूं और इस विषय पर मैं वास्तव में यही कह सकता हूं अमेरिकी न्यू सोल गायिका एरिका बडू ने उल्लेख किया कि उनका उन्नीस का पहला एल्बम बेडुज्म नॉर्वुड के डेब्यू एल्बम से आंशिक रूप से प्रभावित था दो जबकि बार्बेडियन गायिका रिहाना ने अपने 2007 के एल्बम गुड गर्ल गॉन बैड के बारे में कहा ब्रांडी ने वास्तव में उस एल्बम को प्रेरित करने में मदद की मैंने स्टूडियो में रहते हुए हर दिन एफ्रोडाइसिएक को सुना चौतीस केली रॉलैंड ने नॉरवुड का हवाला दिया जिन्होंने रॉलैंड के डेब्यू एल्बम के लिए भी लिखा और निर्माण किया अपने दूसरे स्टूडियो एल्बम सुश्री केली दो के लिए, लिए प्रेरणाओं में से एक के रूप में दो रेड हॉट चिली पेपर्स के गिटार वादक जॉन फ्रूसियंटे ने 236 अपनी पहली परियोजना हर पर काम पर चर्चा करते समय गायिका जिन्होंने निर्माता डीजे जे कैंपर के साथ काम किया ने खुलासा किया कि ब्रांडी उनके लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा थी और ब्रांडी से प्रेरित होने से उनके संगीत उत्पादन पर प्रभाव पा दो सौ सैंतीस ने फिल्म और टेलीविजन उद्योग में भी अपना प्रभाव छोड़ा है नॉरवुड सिंड्रेला की भूमिका निभाने वाली पहली अफ्रीकी अमेरिकी थी दो सौ अड़तीस उन्नीस सौ सत्तानवे की फिल्म में सिंड्रेला के रूप में उनकी भूमिका ने कई अफ्रीकी अमेरिकी अभिनेताओं को प्रेरित किए भूमिका पर बोलते हुए केके पामर ने कहा मुझे लगता है कि मैं ऐसा करने में सक्षम हूँ ब्रॉडवे पर पहली अफ्रीकी अमेरिकी सिंड्रेला बनने का कारण निश्चित रूप से ब्रांडी द्वारा टीवी पर किया गया है दो यूपीएन पर नॉरवुड का टीवी शो मोशा भी अब तक के सबसे लंबे समय तक चलने वाले ब्लैक सिटकॉम में से एक था दो मंच पर नॉर्वुड ने 2017 में शिकागो द म्यूजिकल में पहली ब्लैक कोलिर बनकर सहकलाकार लाना गॉर्डन के साथ ब्रॉडवे इतिहास बनाए दो अन्य उद्यम यह भी देखें ब्रांडी नॉरवुड उत्पाद नॉरवुड ने अपने करियर में कई विज्ञापन किए हैं उन्नीस में वह कवरगर्ल बन गई दो कई विज्ञापनों में दिखाई दी उन्होंने उन्नीस में कैंडीज और 2000 के वसंत में डीके एनवाई ब्रांड का भी प्रतिनिधित्व किए दो सौ बयालीस दो सौ तैंतालीस उन्नीस के दशक के उत्तरार्थ में नॉर्वुड का प्रतिनिधित्व विलहेलमिना एजेंसी ने किया जो उद्योग की अग्रणी मॉडलिंग एजेंसियों में से एक थी दो सौ चवालीस में मेटल ने ब्रांडी डॉल जारी की गुड़िया में नॉर्वुड लाल नारंगी ब्लाउ और नारंगी लंबी स्कर्ट में थी इसके बाद होलीडे डॉल को दो में एक और ब्रांडी डॉल के साथ रिलीज किया गए लाखों गुड़िया बेची गई और वे मेटल के लिए सबसे ज्यादा बिकने वाले खिलौनों में से एक थीं दो सौ पैंतालीस दो हजार पांच में ब्रांडी अल्टीमा की प्रवक्ता बन गई जो हेयर वीव्स और विक्स बनाने वाली कंपनी है दो हजार चौदह तक वह अब उनका प्रतिनिधित्व नहीं करती है दो सौ छियालीस दो सौ परोपकार उन्नीस सौ छियानवे में नॉर्वुड ने अपने भाई रेजे के साथ मिलकर नॉर्वुड किड्स फाउंडेशन की स्थापना की इसका लक्ष्य प्रदर्शन कलाओं को उत्प्रेरक के रूप में उपयोग करके आज के युवाओं को आत्मविश्वासी अनुशासित जिम्मेदार और देखभाल करने वाले व्यक्तियों के रूप में आकार देना है जो अपने समुदायों में सकारात्मक प्रभाव डालने में सक्षम हो 248, सौ में ब्रांडी यूनिसेफ द्वारा युवाओं के लिए पहली अंतर्राष्ट्रीय प्रवक्ता थी दो वह मेक ए विश फाउंडेशन और रेन की एक उत्साही समर्थक है 250, 2000 में ब्रांडी ने 2000 हजार वाट्स को एक लाख डॉलर का दान दिया जो कि गायक और अभिनेता टायरेस गिब्सन द्वारा वाट्स लॉस एंजल्स कैलिफोर्निया के वंचित समुदाय में स्थापित एक मनोरंजन सामुदायिक केंद्र है 250, ब्रांडी ने 2008 में जूता कंपनी स्केचर्स के नथिंग कंपेयर्स टू फैमिली अभियान के साथ मिलकर काम किए दो सौ में नॉर्वुड गेट स्कूल से जुड़ गई जो कि स्कूल के लिए छात्रों को जगाने के लिए मशहूर हस्तियों द्वारा किया जाने वाला एक राष्ट्रीय गैरलाभकारी मोबाइल फोन कॉल है दो सौ दो सौ तिरपन दो हजार चौदह में नॉरवुड ने टेक्स्ट चार बेबी के साथ मिलकर काम किया जो टेक्स्ट मैसेज के जरिए गर्भवती माताओं तक स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती फैलाता है दो और दो के अनस्तपेबल फाउंडेशन की मानद सहध्यक्ष बनी दो 2018 में वह अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन और एन सोनली सीपीआर के लिए एक पीएसए में साथ ही शिकागो द म्यूजिकल कलाकारों के साथ भी दिखाई दी दो व्यक्तिगत जीवन रिश्ते नोरवुड ने हॉलीवुड हाई स्कूल में पढ़ाई की लेकिन दसवीं कक्षा से एक निजी ट्यूटर के साथ पढ़ाई शुरू की दस उन्नीस में उनका भावी लॉस एंजल्स लेकर्स खिलाड़ी कोबे ब्रायंट के साथ एक संक्षिप्त संबंध था जिनके साथ वह पेंसिल्वेनिया के अडमोर में लोअर मेरियन हाई स्कूल में उनके प्रोम में गई थी दो उन्होंने बॉय ऑफ मेन की प्रमुख गायिका वान्या मोरिस को भी डेट किया जिन्हें उन्होंने अपना पहला प्यार बताए दो मोरिस जो उनसे पांच साल से अधिक बड़ी है, ने कथित तौर पर उनके उन्नीसवें जन्मदिन से एक महीने पहले अपना रिश्ता समाप्त कर लिए दो नेवर से नेवर एल्बम पर अपने काम के दौरान उन्होंने कुछ समय के लिए रैपर मेज को डेट किए दो दोस्तों ये एक हॉरर मूवी है जिसकी रनिंग लेंथ 95 फाइव मिनट है ए ट्वेंटी एक जैसे मूवी द्वारा इसे बनाया गया है तो इस एक जैसे जो प्रोडक्शन हाउस है इसका डिस्ट्रीब्यूशन भी यही कर रहा है इस प्रोडक्शन हाउस द्वारा जो भी मूवी बनाई जाती है अधिकतर हॉरर मूवी बनाई जाती है जो कि सुपर डुपर हिट रहती है बाकी इस मूवी का बजट भी बहुत कम है थ्री पॉइंट नहीं बजट नहीं बताया गया है अभी तक ब्रेकर्स द्वारा इसका बॉक्स ऑफिस इस कलेक्शन लीक हो चुका है यानी बता दिया गया है वो तकरीबन थ्री पॉइंट फाइव मिलियन है बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और बाकी ज़्यादा बजट की तो मेरे हिसाब से ये मूवी नहीं लग रही है तकरीबन ये छः से आठ या दस मिलियन के बीच में से बनाया गया है बाकी ओ राइट अभी तक डिसाइड नहीं किए गए जैसे और कोई अपडेट आती है तो मैं आपको बता दूंगा यदि वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा मिलते हैं अगले वीडियो में